हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल लर्निंग विद पेस क्लास ट्वेल्थ फ्लैमिंगो टेक्स्ट बुक का ये है चैप्टर नंबर सिक्स एंड द चैप्टर नेम इज पोइट्स एंड पैनकेक्स रिटन बाय अशोका मित्रन अशोका मित्रन ने पोइट्स एंड पैनकेक्स लिखा था एंड इसमें पोइट्स का मतलब क्या है पैनकेक्स का मतलब क्या है ये आपको ध्यान देना है देखो पोइट्स का मतलब है यहाँ पर स्क्रिप्ट राइटर्स हु आर द स्क्रिप्ट राइटर्स दो राइट स्टोरीज एंड स्टोरीज जब बन जाती है उसके बाद फिल्म बनती है राइट सो विदाउट स्क्रिप्ट राइटर वी कांट इवन इमेजिन टू हैव अ स्टोरी वी कांट इवन इमेजिन टू मेक अ फिल्म तो पोइट्स यहां पर क्या है स्क्रिप्ट राइटर जो कहानियां लिखते हैं फिल्म के लिए इसके अलावा जो लिरसिस्ट होते हैं जो गानों के लिए सॉन्ग्स के लिए लिरिक्स लिखते हैं उनके लिए भी पोइट्स वर्ड यहां इन्होंने यूज किया है अशोका मित्रन ने पैनकेक्स का मतलब क्या है ये एक मेकअप का ब्रांड नेम है ठीक है जैसे कि आपने बहुत सारे मेकअप के ब्रांड नेम सुने होंगे लोरियल हो गया मैक हो गया मेबलीन हो गया सो so, इसी तरीके से 1940s के टाइम पर मतलब लगा लो पुराने ज़माने का जो टाइम पीरियड था उसमें पैनकेक्स नाम का एक ब्रांड था और इसी ब्रांड का मेकअप बहुत बिकता था ठीक है तो पोइट्स एंड पैनकेक समझ में आ गया पोइट्स का मतलब स्क्रिप्ट राइटर्स लिरिसिस्ट एंड पैनकेक्स एक मेकअप का ब्रांड नेम है अशोका मित्रन was बोर्न इन द ईयर ऑफ 1931 and died एंड डाइड इन द ईयर ऑफ was a Tamil ही Ashoka Mitran recounts. राइटर अशोका मित्रन का मतलब क्या होता है डिस्क्राइब मतलब बताना या फिर टेलिंग अ स्टोरी और एक्सपीरियंस ठीक है सो अशोका मित्रन जो थे इन्होंने रिकाउंट किया अपने एक्सपीरियंस को राइट right? इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब किया सो ही रिकाउंट्स इज ईयर्स एट जेमिनाई स्टूडियो इन हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस तो यहां ये कहा गया कि अशोका मित्रन ने अपने एक्सपीरियंस के बारे में डिस्क्राइब किया अपनी एक बुक में बुक का नाम था माई ईयर्स विद बॉस एंड किस चीज़ का एक्सपीरियंस इन्होंने बताया अपने काम का एंड जहाँ ये काम करते थे वहाँ पे रहने वाले लोगों का तो जेमिना स्टूडियो एक आ, जो है स्टूडियो नेम था यहाँ पर जो है फिल्म्स वगैरह बनाई जाती थी फिल्म्स प्रोड्यूस की जाती थी एंड जो आर्टिस्ट हैं जो क्राउड है जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उनका प्रॉपर मेकअप वेकअप किया जाता था एंड इन्होंने ये देखा कि एक फिल्म बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है चाहे वो स्क्रिप्ट राइटर ही क्यों ना हो या फिर इसके अलावा ये, आ, कोई लिरिसिस्ट हो या कोई प्रोड्यूसर हो या फिर डायरेक्टर हो एक्टर हो एक्ट्रेसेस हो या फिर इनफेक्ट कोई स्पॉट बॉय हो इन सब लोगों के बिना एक मूवी नहीं बन सकती ये सारा एक्सपीरियंस जो अशोक मित्रन ने जैमिनाई स्टूडियो में देखा वही इन्होंने अपनी बुक में रिकाउंट किया मतलब बताया ठीक है सो so, इसका एग्जैक्ट जो सिनोनिम बनेगा वो होगा टू डिस्क्राइब विच टॉक्स ऑफ द इंफ्लुएंस हेयर इंफ्लुएंस मीन्स इंपैक्ट ऑफ मूवीज ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया इन्होंने इस बुक में यह भी बताया कि जेमिना स्टूडियो में जो मूवीज वगैरह बनती थी जो मूवीज वगैरह प्रोड्यूस होती थी या इंडियन जो फिल्म्स हैं इनका लोगों पर इंडियन पीपल पर किस तरीके का इंपेक्ट रहा है द जेमिनाई स्टूडियोज लोकेटेड इन चेन्नई तो जेमिनाई स्टूडियो कहां लोकेटेड है चेन्नई में इट वॉज सेटअप इन नाइनटीन फोर्टी मतलब नाइनटीन फोर्टीज की यहां बात हो रही है इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया इन अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग इंडियन फिल्म मेकिंग में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे ना 1940 के टाइम पर उन सभी ऑर्गेनाइजेशन में जेमिनाई स्टूडियो सबसे इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन था इट्स फाउंडर वॉज एस एस वासन एस एस वासन इनके क्या थे बॉस थे इनके फाउंडर थे द ड्यूटी ऑफ अशोका मित्रउ न्यूज पेपर क्लिपिंग ऑन वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन फाइल्स देखो यहां ये बताए जो ये ऑथर है ना अशोका मित्रन इनका जेमिनाई स्टूडियो में क्या काम था ठीक है तो इनका काम यहाँ बताया गया इनका काम क्या था टू कट आउट न्यूज पेपर क्लिपिंग्स न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स को ये क्या करते थे ऐसे कट कर करके उनको ना एक फाइल में कंपाइल करके फिर सेव करके रख दिया करते थे मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट बाय हैंड तो कई बार क्या होता था न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स को सेव करके रखते थे मैगज़ीन्स की क्लिपिंग्स को सेव करके रखते थे अलग अलग सब्जेक्ट्स पर एंड इसके अलावा कई बार ऐसे आ, न्यू आ, ऐसे आ, पेपर्स की कटिंग किया करते थे जो कि हैंड रिटन थे although he performed an insignificant function, he was the most well informed of all the members of Gemini family. देखो वैसे इनका काम क्या था न्यूज़पेपर कटिंग का एंड उन कटिंग्स को इन्होंने सेव करके रखना था फाइल में राइट right? अब सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि इनका काम क्या था इनसिग्निफिकेंट मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था बट यहां ये बताया है कि अशोका मित्रन जो थे ना उन वो भले ही उनका काम इनसिग्निफिकेंट लगता हो लोगों को बट ही वॉज द वन जो कि सभी जैमिनाई uh, फैमिली के मेंबर से वेल well इन्फॉर्म्ड दे मतलब ये सभी को अच्छे से जानते थे उनके काम को जानते थे उनके नेचर को जानते थे द फॉलोइंग इज एन एक्सप्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विथ बॉस तो ये जो चैप्टर है ना पोइट एंड पैनकेक्सा पार्ट है तो स्मॉल पार्ट स्मॉल पीस इज कोल्ड एन एक्सर्प्ट राइट सो पोइट एंड पैनकेक्स एक स्मॉल पार्ट है कौन सी बुक का माई इथ बॉस ओके पेनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटीरियल दैट जेमिनाइज स्टूडियोज बोट इन ट्रक लोड्स देखो जैसे कि हमने ऊपर बात की पेनकेक्स क्या है ये एक ब्रांड नेम है किसका मेकअप मटीरियल का अलग अलग मेकअप की चीज़ें इस ब्रांड में मिलती थी राइट right? एंड इस ब्रांड को इतना यूज किया जाता था जैमिनाई स्टूडियो में कि उसको भर भर के ट्रक लोड्स में लाया जाता था मतलब जो जैमिनाई स्टूडियो में जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते थे ना उनका जब मेकअप किया जाता था तो कौन से ब्रांड का मेकअप किया जाता था पैनकेक का एंड इतना सारा मेकअप यूज किया जाता था एक्सेसिव अमाउंट में और इस ब्रांड की इतनी ज्यादा डिमांड थी जेमिना स्टूडियो में कि इस ब्रांड को ट्रक्स में भर भर कर लाया जाता था ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट मिस गोहर मस्ट हैव यूज्ड इट वैजंती माला मस्ट हैव यूज्ड इट बट रती अग्निहोत्री में नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट तो यहां यह बताया है कि किन किन एक्ट्रेसेस ने इस ब्रांड को यूज किया है पैनकेक को यूज किया है और ये पैनकेक ब्रांड कितना फेमस था मेकअप में वो यहां बात बताई है देखो यह यह बता है कि ग्रेटा गारबो, ये, ये एंड थी, इनको 1954 में ऑस्कर अवार्ड भी मिला किस लिए मिला बिकॉज इनकी जो एक्टिंग थी ऑन स्क्रीन वो अनफॉर्गेटेबल थी ऐसी कि जो कभी भूली ना जा सके इसके अलावा इनका ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम है क्यों क्योंकि ये बहुत ही सुंदर महिला रही हैं अपने टाइम की एंड शी बीन आल्सो वोटेड फॉर बेस्ट साइलेंट एक्ट्रेस ऑफ द कंट्री सो ग्रेटा गार्बो जो कि एक बहुत फेमस स्वीडिश एक्ट्रेस थी उन्होंने भी पैनकेक ब्रांड को यूज किया है फिर आगे बताया है कि नॉट ओनली स्वीडिश इनफैक्ट इंडियन एक्ट्रेस जो थी ना मिस गोहर उन्होंने भी पैनकेक ब्रांड को यूज किया है फिर यहाँ बताया है जो वैजंती माला है उन्होंने भी पैनकेक ब्रांड को यूज किया है वैजयंती माला भी एक इंडियन एक्ट्रेस है एंड इन्होंने देवदास में बहुत अच्छी एक्टिंग की देवदास फिल्म के डायरेक्टर कौन है बिमल रॉय अब यहाँ ये बताया है कि वैजंती माला इतनी अमेजिंग इतनी फेंटेस्टिक एक्ट्रेस थी कि इनको देवदास में एक्टिंग करने का बेस्ट अवार्ड भी मिला है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड और बाद में ये एक्टिव पॉलिटिशियन बन गई अब यहाँ ये बताया है कि देखो इतने फेमस लोग जो रहे हैं उस टाइम के 1940s के टाइम के उन्होंने पैनकेक ब्रांड को यूज़ किया है बट पैनकेक ब्रांड धीरे धीरे इट जस्ट गॉट वेनिस्ड धीरे धीरे ये खत्म होता गया राइट तो यहाँ इसलिए लिखा है रति अग्निहोत्री में नॉट हैव इवन हर्डोफिट तो यहाँ ये बता रहे हैं कि रति अग्निहोत्री बहुत बाद में आई तब तक पैनकेक ब्रांड जो है ये ख़त्म हो चुका था वेनिस्ड हो चुका था कोई भी इसको यूज नहीं करता था राइट सो so, रति अग्निहोत्री जो है उन्होंने तो पैनकेक का नाम सुना भी नहीं होगा क्योंकि उनके टाइम पीरियड में तो ये ब्रांड बिल्कुल बंद हो चुका था द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जैमिनाइज स्टूडियोज वॉज इन बिल्डिंग दैट वॉज बिलीव्ड टू हैव बिन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल्स रॉबर्ट क्लाइव एक गवर्नर जनरल थे है ना ब्रिटेन के थे ना ये और आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ आई तो किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जैसे जैसे एरियाज़ को कॉन्फिस्केट करना शुरू किया कॉलोनाइज करना शुरू किया वैसे वैसे ब्रिटिशर्स को यहाँ पर गवर्नर जनरल बना दिया गया था उनमें से एक थे रॉबर्ट क्लाइव तो यहाँ ये बताया है कि रॉबर्ट क्लाइव का जो स्टेबल था स्टेबल इज अ प्लेस वेयर हॉर्सेज आर कैप्ड स्टेबल का मतलब क्या एक ऐसी जगह जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है जहां हॉर्सेस को रखा जाता है तो यहां ये बताया है कि आ, जो रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल था ना राइट जो रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल था उसी जगह पर जैमिनाई स्टूडियो था बेसिकली मतलब जो प्लेस रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल था वहीं पर उसके फर्स्ट फ्लोर पर जो बिल्डिंग थी वो जैमिनाय स्टूडियो की थी ठीक है तो यहां ये चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि आपने कि रॉबर्ट क्लाइव का नीचे स्टेबल था ऊपर जेमिनाई स्टूडियो था नहीं रॉबर्ट क्लाइव का वो कभी स्टेबल रहा करता था ठीक है फिर बाद में क्या हुआ कि उस पर जो है जेमिनाई स्टूडियोस बना दिया गया अ डजन अदर बिल्डिंग्स अ डजन अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर सेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस मतलब जो रॉबर्ट क्लाइव थे ना इनके एक ही शहर में बहुत सारे रेजिडेंस थे फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग रॉबर्ट क्लाइव का जो लाइफ स्पैन था मतलब इनकी जो जिंदगी थी वो काफ़ी छोटी थी और इतने से छोटे टाइम में ये मद्रास में रहे बहुत सारी जगह इन्होंने चेंज की मद्रास में भी इन्होंने बहुत सारी जगह चेंज की तो इसे ये पता चलता है कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे ही मूव्ड फ्रीक्वेंटली बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया इन्होंने इंडिया के रिमोट कॉर्नर्स में जो लोग रहते थे या जो राजा महाराजा रहा करते थे या जो भी लोग इनके अगेंस्ट थे उनके साथ इन्होंने बैटल्स लड़ी थी मैरिंग अ मेडन इन सेंट मैरीज चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास देखो मद्रास जो है इसका मॉडर्न डे इसको हम जानते हैं चेन्नई के नाम से तो आपने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी ठीक है अब देखो यहां ये बताया है कि जो ये थे ना रॉबर्ट क्लाइव इन्होंने एक मेडन से शादी की एक मतलब यंग लेडी से शादी की कहा की थी एक चर्च में चर्च का नाम क्या है सेंट मेरीज चर्च ये चर्च कहां पर है यह चर्च है फोर्ट सेंट जॉर्ज में राइट एंड ये कहाँ पड़ता है ये प्लेस कहाँ पड़ता है फोर्ट सेंट जॉर्ज ये पड़ता है मद्रास में राइट तो मद्रास में एक जगह है फोर्ट सेंट जॉर्ज वहां पर एक चर्च बनाया हुआ है सेंट मैरीज चर्च वहीं पर रॉबर्ट क्लाइव ने एक मेडन से एक यंग लेडी से शादी की थी द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ हेयर कटिंग salon विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन लार्ज mirrors. तो जैमिना स्टूडियो में जो मेकअप रूम था मेकअप रूम में मतलब क्या होता था कि जो फिल्म के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उन पर मेकअप लगाया जाता था सो जेमिना स्टूडियो में जो मेकअप रूम था उसमें बहुत बड़े बड़े लार्ज मिरर्स थे और कितने मिरर्स थे हाफ आर डजन हाफ आर डजन कितना हुआ मतलब सिक्स तो छ लार्ज मिरर्स थे इसके अलावा हर जगह पर लाइट्स थी एट ऑल एंगल्स का मतलब है हर जगह पर लाइट्स थी सो so, बहुत सारी लाइट्स बहुत सारे मिरर्स होने की वजह से मेकअप रूम एक हेयर कटिंग सेलों की तरह लगा करता था अब इसके अलावा हमें यहां पर एक चीज और समझ आ रही है कि उस टाइम पर इलेक्ट्रिकल लाइट्स नहीं होती थी नो इलेक्ट्रिकल लाइट्स इनफैक्ट जो लाइट्स प्रोड्यूस होती थी वो ऑइल लैंप से होती थी सो देवर ऑल इन कैंडेसेंट लाइट्स इन कैंडेसेंट का मतलब क्या होता है वेरी ब्राइट बहुत चमकीली सी जो लाइट होती है उसे इनकैंडसेंट लाइट्स बोलते हैं सो मेकअप रूम में जो लाइट्स थी वो बहुत ही ब्राइट थी अब इतनी ब्राइट लाइट थी बिकॉज ये लाइट ऑयल लैम्प से प्रोड्यूस हो रही थी सो यू कैन इमेजिन फायरी मिजरी फायरी हॉट एंड प्रॉब्लम बेसिकली डिफिकल्टी सो मिजरी ऑफ सब्जेक्टेड टू मेकअप सो यहां ये बताया है कि वो लोग जो सब्जेक्टेड टू मेकअप मतलब जिन पर मेकअप लगाया जाता था अब आप समझ सकते होंगे कि उनको कितना अनकंफर्टेबल लगता होगा जब उनको मेकअप रूम में बैठकर मेकअप लगवाना पड़ता था क्योंकि हर जगह लाइट सी लाइट्स थी और इन लाइट्स की वजह से उनको बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता था क्यों क्योंकि ऑयल लैंप से जो हीट निकलेगी उससे टेम्परेचर हाई हो जाएगा जिसकी वजह से आपको वैसे भी अनकंफर्टेबल लगेगा ही तो ये यहाँ बात है कि जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उन पर जब मेकअप लगाया जाता था उन उनको जो है काफ़ी डिफिकल्टी होती थी मेकअप लगवाने में द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हैडेड बाय अ बंगाली हु बिकेम टू बिग फोर स्टूडियो एंड लेफ्ट सो मेकअप डिपार्टमेंट को पहले कौन हैड करता था मतलब कौन चलाता था एक बंगाली बट इसने स्टूडियो छोड़ दिया था बिकॉज ही बिकेम टू बिग फोर स्टूडियो टू बिग फॉर स्टूडियो का मतलब कि काफी स्टूडियो में फेमस हो गया एंड ही लेफ्ट द स्टूडियो फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी तो बेंगोली ने इसीलिए ये स्टूडियो छोड़ दिया था क्योंकि उसे अब बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जाना था ही वॉज सक्सेडेड बाय अ महाराष्ट्रियन सो जब इस बेंगोली मेकअप आर्टिस्ट ने जैमिना स्टूडियो छोड़ दिया था तो इसकी पोजीशन को किसने सक्सीड किया मतलब इसकी पोजीशन पर फिर कौन आया महाराष्ट्रियन एक मेकअप आर्टिस्ट जो महाराष्ट्र से बिलोंग करता था असिस्टेड का मतलब क्या होता है हैल्प्ड बाय मैनी पीपल बहुत सारे लोगों ने इनकी हेल्प की मेकअप में कौन कौन थे वो धारवाड़ कर्नाडिका धारवाड़ इज इन कर्नाटका सो so कुछ लोग जो धारवाड़ कर्नाडिका से थे इसके अलावा कुछ लोग आंध्रा से थे कुछ लोग जो थे वो इंडियन क्रिश्चियन थे मद्रास से कुछ लोग थे जो एंग्लो बुर्मीज़ थे मतलब जो इंग्लैंड एंड बुर्मा से थे इसके अलावा महाराष्ट्र वॉज असिस्टेड बाय सम यूजुअल लोकल तामिल्स मतलब कुछ लोग थे जो लोकल तामिल्स थे उन्होंने भी इस महाराष्ट्र की हेल्प की अब हेल्प क्यों की जाती थी क्योंकि जो ये जेमिनाई स्टूडियो था इट वॉज़ वेरी बिग ह्यूज और मेकअप रूम में बहुत सारे आर्टिस्ट होते थे तो इसीलिए Uh, और इसके अलावा नॉट ओनली मेकअप आर्टिस्ट ज़्यादा होते थे इनफैक्ट जिन पर मेकअप किया जाना होता था वो भी बहुत ज़्यादा होते थे सो so, एक मेकअप आर्टिस्ट तो हो नहीं सकता उसकी हेल्प के लिए और भी चाहिए होते हैं तो ये जो महाराष्ट्रियन है ये मेकअप आर्टिस्ट में हेड था एंड इसको हेल्प करने वाले बहुत सारे अलग अलग जगह से बिलोंग करने वाले लोग भी थे सो दिस शोज दैट देर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर ए आई आर ए आई आर का मतलब ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन बिगेन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है एक तरीके से यूनिटी होना है ना सो so यहां ये यह बताया है कि ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन पर जब नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में ब्रॉडकास्ट किया जाता था लोगों को बताया जाता था उससे बहुत टाइम पहले से ही जेमिनाई में नेशनल इंटीग्रेशन को फॉलो किया जाता था क्योंकि जो ये मेकअप डिपार्टमेंट है इसमें अलग अलग जगह के जो आर्टिस्ट हैं वो एक साथ मिलकर काम करते थे तो इससे हमें जेमिनाई स्टूडियो में नेशनल इंटीग्रेशन देखने को मिलती है एक यूनिटी देखने को मिलती है सो यहाँ ये बताया है कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर तो तब तक ये प्रोग्राम्स जो थे नेशनल इंटीग्रेशन के ये ब्रॉडकास्ट भी नहीं हुए थे इससे बहुत टाइम पहले जेमिनाई स्टूडियो में नेशनल इंटीग्रेशन देखा जा सकता था दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन अब गैंग का मतलब क्या है ग्रुप नेशनल इंटीग्रेटेड मेकअप मैन का मतलब क्या है ये सारे के सारे मेकअप आर्टिस्ट चाहे वो महाराष्ट्रियन हो या फिर वो कोई आंध्रा से हो तो कोई मद्रास से था तो कोई धारवाड़ से था तो कोई एंग्लो एंग्लोबरमीज था सो so ये जो ग्रुप था ना मेकअप आर्टिस्ट का दे टर्न एनी डिसेंट डिस परसन इंटू हीडियस क्रिमसन ह्यूड मॉन्स्टर विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक्स एंड अ नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस देखो हीडियस का मतलब क्या होता है हीडियस का मतलब होता है वेरी अगली एकदम भद्दा क्रिम्सन का मतलब क्या होता है रेड क्रिम्सन ह्यूड का मतलब क्या होता है डीपर रेड इन कलर मॉन्स्टर के बारे में तो आपको पता ही है तो यहाँ ये बताया गया है कि जो ये मेकअप आर्टिस्ट की गैंग थी ना पूरी की पूरी जो नेशनल इंटीग्रेटेड तरीके से मतलब एक साथ काम कर मिल काम किया करते थे ये किसी भी डिसेंट लुकिंग पर्सन को मोन्स्टर बना देते थे ऐसा मोन्स्टर जो बिल्कुल रेड कलर का एंड हीडियस दिखता था बहुत ही अगली दिखता था तो यहाँ पर ना हमें एक सैट्रिकल कमेंट देखने को मिलता है अशोका मित्रन की तरफ से कि किस तरीके से ये मेकअप आर्टिस्ट जो थे ना ये बहुत ही सही दिखने वाले इंसान को भी मॉन्स्टर बना देते थे एक अगली मॉन्स्टर और कैसे बना देते थे क्योंकि ये उस पर बहुत सारा पैनकेक लगा दिया करते थे मतलब बहुत सारा मेकअप कौन सी ब्रेड का पैनकेक ब्रांड का एंड इसके अलावा जो लोकली मेड अदर ब्रांड्स थे जैसे कि पोशंस एंड लोशंस अलग अलग मिक्सचर जो भी थे वो लगा दिया करते थे इनके फेस पर और डिसेंट लुकिंग मैन एकदम रेड कलर का अगली मोन्स्टर बन जाया करता था सो दोज वर द डेज ऑफ मेनली इनडोर शूटिंग ओनली फाइव परसेंट ऑफ द फिल्म वो शॉर्ट आउटडोर्स तो यहां ये बताया गया है कि उस टाइम पर नाइनटीन फोर्टीज के टाइम पीरियड में ओनली फाइव परसेंट जो शूटिंग होती थी वो आउटसाइड होती थी जबकि रेस्ट जो है वो इंडोर शूटिंग हुआ करती थी आई सपोज द सेट्स एंड द स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी, सिंस so, हमने जो ये बात की कि भाई पांच प्रतिशत फाइव परसेंट फिल्म जो थी वो ओपन एरिया में शूट की जाती थी अदरवाइज 95 जो है वो जेमिनाई स्टूडियो के अंदर ही शूट की जाती थी तो आगे अशोका मित्रन ये बताते हैं कि जो ये स्टूडियो लाइट्स है ना इसमें किसी भी एक्टर या एक्ट्रेसेज मतलब कोई भी गर्ल्स या बॉयज जो फिल्म में काम कर रहे हैं उनको अगली इसलिए बनाया जाता था ताकि वो मूवी में प्रेजेंटेबल दिखें सो दैट दे कैन लुक गुड इन मूवीज प्रेजेंटेबल का मतलब है गुड राइट right? तो मूवी में अच्छे दिखने के लिए उनको रियल लाइफ में बहुत अगली बनाया जाता था इसका मतलब क्या है कि इन पर बहुत ही ज्यादा मेकअप किया जाता था इतना मेकअप कि ये रियलिटी में बहुत अगली लगते थे बट मूवी में काफी प्रेजेंटेबल लगते थे बी प्रेजेंटेबल दे कैन लुक गुड इन द मूवी hierarchy was maintained in the makeup department. Hierarchy का मतलब जानते हो ना आप क्या होता है ये देखो ऐसे होती है हाई रेयर की राइट जिसमें जो पावर है वो लेटरल नहीं होती है बल्कि पिरामिड में होती है जैसे ऊपर बॉस होगा तो उसके नीचे कोई और होगा और उसके नीचे कोई और पावर होगी ठीक है तो जो यहाँ पर होता है ना वो बॉस होता है जैसे कि आप अपने स्कूल की बात करते हैं अभी तो आप स्कूल में तो आप इस चीज़ से समझो पहले कौन होती है प्रिंसिपल होती है फिर कौन होती है वाइस प्रिंसिपल होते हैं वाइस प्रिंसिपल के नीचे कौन है? होते हैं कोऑर्डिनेटर्स होते हैं और फिर होते हैं मैनेजमेंट एंड देन टीचर्स सो so, कहने का मतलब है यही हाई जो है ना वो कहां पर फॉलो की जाती थी मेकअप डिपार्टमेंट में तो हाई कैसी थी द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसिस लुक अगली तो यहां ये यह बताया है कि जो चीफ मेकअप आर्टिस्ट थे मतलब जो मेकअप आर्टिस्ट्स के जो बोस थे जो चीफ थे वो मेन एक्टर एंड एक्ट्रेसेस को अगली बनाते थे राइट right? इसके अलावा जो सीनियर असिस्टेंट थे वो सेकंड हीरो hero या हीरोइन को अगली बनाते थे सेकंड हीरो hero या हीरोइन का मतलब है जो सपोर्टिंग रोल के एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं उनका मेकअप कौन किया करते थे सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो वो कॉमेडियंस का मेकअप करते थे सो ऑन एंड सो फोर्थ तो यहाँ कहने का मतलब है देखो हाईराइट कैसी थी एक पिरामिड बना लो ठीक है तो फर्स्ट पे कौन आ गया फर्स्ट पे आ गया जो चीफ मेकअप आर्टिस्ट थे तो चीफ मेकअप आर्टिस्ट मेन हीरो हीरोइन का मेकअप करते थे फिर इसके नीचे, नीचे कौन थे सीनियर असिस्टेंट मेकअप आर्टिस्ट ये सपोर्टिंग रोल्स का मेकअप किया करते थे फिर इनके नीचे कौन थे इनके नीचे थे जूनियर असिस्टेंट मेकअप आर्टिस्ट ये किनका करते थे मेकअप कॉमेडियंस का करते थे राइट सो इन द सेम वे इसी तरीके से हायरअर की फॉलो होती थी द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय तो यहां में यह समझ में आता है कि हायरकी में सबसे नीचे कौन था ऑफिस बॉय था यह किसका मेकअप किया करता था क्राउड का सो क्राउड का मेकअप करने के रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी ऑफिस बॉय की ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑफिस uh, बॉय से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या फिर फर्स्ट और सेकेंड टर्म वाले आपके एग्जाम हो इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनाई स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय अब यहाँ हमें एक चीज़ और समझने को मिलती है कि Gemini Studio देखो कितना बड़ा होगा इसका मेकअप डिपार्टमेंट कितना ह्यूज होगा कि मेकअप डिपार्टमेंट में ऑफिस बॉय भी रहा करते थे है ना ऑफिस बॉय होना इज अ बिग थिंग तो ऑफिस बॉय भी हुआ करते थे ऑन द डेज व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट इन अ जायंट वेसल तो जब भी अगर कोई क्राउड शूटिंग होनी थी जिसमें काफ़ी सारी भीड़ जमा होनी हो या बहुत सारे लोग शूटिंग के टाइम आने हो जिन्होंने फिल्म में रोल करना हो तो जो क्राउड शूटिंग होती थी उस टाइम पर ऑफिस बॉय जो है वो जॉन्ट वेसल में मतलब बहुत बड़े वेसल में पेंट को मिक्स किया करता था हेयर और पेंट का मतलब क्या है मेकअप राइट तो ये बहुत बड़े वेसल में मेकअप को मिक्स करता था वाई इन जॉइंट वेसल बिकॉज क्राउड पर बहुत सारा मेकअप लगना होता था इसलिए बहुत बड़े एक uh, uh, मतलब एक वेसल या एक बर्तन लगा लो उसमें जो है ये क्या करता था पेंट को मिक्स किया करता था एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स और ये ऑफिस बॉय पेंट को मिक्स करके क्राउड प्लेयर्स के मुंह पर स्लैप किया करता था स्लैप का मतलब यहाँ पर क्या है कि फटाफट से मेकअप कर दिया करता था और स्लैप का मतलब एक यहाँ पर यह भी है कि uh, मतलब जैसे वो पेंट पोतना होता है ना एक तरीके से तो ऐसे ही मेकअप पोत दिया करता था बहुत सारा मेकअप लगा दिया करता था द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सर्फेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप मेकअप अप्लाई करने का मेन आइडिया क्या था टू क्लोज द पोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द फेस मतलब फेस पर जो ब्लैमिशेज हैं जो पोर्स हैं उनको कवर करने के लिए मेकअप लगाया जाता था जो ये ऑफिस बॉय था ना ही वॉज नॉट एग्जैक्टली अ बॉय क्योंकि नाम है ना ऑफिस बॉय तो शायद ऐसा लग रहा है सुनने में कि ये कोई लड़का रहा होगा छोटी उम्र का यंग बॉय रहा होगा बट नहीं ही वॉज एंट एग्जैक्टली अ बॉय ये यंग बॉय नहीं था इनफैक्ट ही वॉज इन हिज अर्ली फोर्टीज अर्ली फोर्टीज का मतलब जानते हो आप क्या हुआ चालीस से पैंतालीस के बीच का जो है ये एज था इसका हैविंग एंटर्ड द स्टूडियो ईयर्स अगो ये जो ऑफिस बॉय था ना एक्चुअली ये जमिनाई स्टूडियो बहुत साल पहले आया था क्यों आया था बिकॉज ही हैड द होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर और टॉप स्क्रीन राइटर डायरेक्टर लिरिक्स राइटर ये देखो कि ये जो ऑफिस बॉय था ये आज के टाइम पर तो क्राउड को मेकअप कर रहा है हाई रेरिटी में काफी नीचे है लेकिन ये जैमिना स्टूडियो बहुत बहुत टाइम पहले आया था बिकॉज इसको क्या बनना था आगे जाकर एक स्टार एक्टर बनना था इसको ये होप थी कि कभी ना कभी ये स्टार एक्टर बन जाएगा या ये टॉप लेवल का स्क्रीन राइटर बनेगा या एक डायरेक्टर बनेगा या एक लिरिक्स राइटर बन जाएगा ही वॉज अ बिट ऑफ अ पोइट लेकिन इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पोइट की थी ये तरीके का आप कह सकते हो इसमें जो कवि के गुणवत्ता भी थी कवि की कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसमें देखने को मिलती थी सो so यहां पर हमारा ये जो पार्ट वन है कंप्लीट होता है आगे वाला चैप्टर इसी तरीके से हम पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे बिकॉज दिस चैप्टर इज बिट लें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप एज वेल थैंक यू हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल लर्निंग विथ पेस हम लोग पोइट्स एंड पैनकेक्स का यहाँ पर अभी सेकेंड पार्ट कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिकल टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज यहाँ पर अशोका मित्रन जो इस पोइट्स एंड पैनकेक्स के ऑथर हैं वो यहाँ बता रहे हैं कि वो जमिनाई स्टूडियो में एक क्यूबिकल में बैठा करते थे क्यूबिकल का मतलब होता है स्मॉल कैबिन और इनके क्यूबिकल में दोनों तरफ फ्रेंच विंडोज थी फ्रेंच विंडोज का मतलब वो होता है जिसकी जो ओपनिंग होती है वो आउटसाइड होती है ठीक है अब यहां ये कह रहा है कि जिस कैबिन में ये बैठा करता था वहां पर फ्रेंच विंडोज थी आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम देवर कोल्ड फ्रेंच विंडोज लेकिन इसको उस टाइम पर जमीना स्टूडियो में जब ये काम करता था पता ही नहीं था कि इन विंडोज को फ्रेंच विंडोज भी कहते हैं सींग मी सिटिंग एट माई डेस्क टियरिंग अप न्यूज पेपर डे इन डे आउट टरिंग मतलब कट करना अब अशोका मित्र अपना काम बता रहे हैं कि वो इस क्यूबिकल में बैठकर डे इन डे आउट मतलब दिन रात न्यूज़पेपर की कटिंग करके उसको फाइल में रखा करते थे मतलब अगर कोई इंपॉर्टेंट क्लिपिंग है न्यूज़पेपर में उसको काट कर वो सेव करके रखा करते थे एक फाइल में मोस्ट पीपल थॉट आई वाज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग जेमिना स्टूडियो के लोगों को यह लगता था कि उनका काम इंपॉर्टेंट नहीं है इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइक वाइज टू और कमाल की बात यह है कि जैमिना स्टूडियो के जो बॉस थे उनको भी यही लगता था कि अशोका मित्रन कुछ काम नहीं करता क्योंकि ये जो काम है न्यूज़पेपर की क्लिपिंग को दिन रात बैठ के काटना इनको इतना सिग्निफिकेंट वर्क नहीं लगता था सिग्निफिकेंट का मतलब है इम्पोर्टेंट सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इन टू माई क्यूबिकल एंड डिल्ली व एन एक्सटेंडेड लेक्चर अब अशोका मित्रन कह रहे हैं कि एनी वन हु फेल्ट मतलब अगर जेमिना स्टूडियो में किसी को ये लगता कि भाई उसने मुझे काम देना है ऑक्यूपेशन मतलब वर्क बार्ज मतलब क्या होता है जब आप किसी की परमिशन के बिना उसके रूम में घुस जाएँ या उसके ऑफिस में घुस जाए बिना परमिशन के उसे हम बार्ज कहते हैं अशोका मित्र कहते हैं अगर जैविना स्टूडियो में से किसी को भी यह लगता था कि उन्होंने मुझे काम देना है तो वो मेरे क्यूबिकल में बार्ज कर जाया करते थे मतलब बिना मेरी परमिशन के वो मेरे क्यूबिकल में आ जाया करते थे एंड दे यूज टू डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर और मुझे यह लेक्चर देके चले जाया करते थे कि किस काम को कैसे करना है द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट एंड द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी एनलाइटन On how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and powers. यहाँ पर powers का मतलब ये है, वो लोग जो हमेशा दूसरे के काम को कॉपी करते हैं। और यहाँ पर हम कौन से बॉय की बात कर रहे हैं? ऑफिस बॉय की, जिसके बारे में हमने ओलरेडी पढ़ लिया था that this person is not exactly a boy, in fact he is a man और ये अपने अर्ली फोर्टीज में है। तो यहाँ पर अशोका मित्रन बताते हैं कि जब भी क्राउड शूटिंग नहीं होती थी क्योंकि इस ऑफिस बॉय का, का काम क्या था कि क्राउड शूटिंग के टाइम पर जो क्राउड पीपल है जो ऑर्डिनरी पीपल है जिनकी शूटिंग होनी है उनके फेस पर ये पेंट किया करता था मतलब मेकअप किया करता था राइट right? तो यहाँ पर अशोका मित्रन बताते हैं कि जब भी क्राउड शूटिंग नहीं होती थी ना तो ये मेकअप डिपार्टमेंट का जो ऑफिस बॉय है ये हमेशा अशोका मित्रन को ये बताया करता था कि इसका लिटररी टैलेंट लिटररी टैलेंट मतलब लिखने की जो स्किल्स है वो वेस्ट हो रही है मेकअप डिपार्टमेंट में और ये डिपार्टमेंट सिर्फ बाबर्स एंड परवर्स को ही सूट करता है सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम अभी यहाँ अशोक मित्रन कह रहे हैं कि वो इतने बोर हो जाया करते थे इस ऑफिस बॉय की बातों को सुनकर तो वो मन ही मन प्रे क्या करते थे कि जल्दी से क्राउड शूटिंग हो जाए क्योंकि अगर क्राउड शूटिंग होगी तो ये जो ऑफिस बॉय है ये इन क्राउड्स पर मेकअप लगाने में बिजी रहेगा नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स एपिक्स का मतलब होता है लॉन्ग लॉन्ग स्टोरीज फिर यहाँ का मित्रन कहता है कि वो इसलिए प्रे किया करते थे क्राउड शूटिंग का कि ऑफिस बॉय बिजी रहे एंड का मित्रन अपने आप को ऑफिस बॉय की लॉन्ग लॉन्ग स्टोरी से बचा सके क्योंकि यही एक तरीका था ऑफिस बॉय से दूर रहने का बिकॉज क्राउड शूटिंग के टाइम पर ऑफिस बॉय काफी बिजी रहता था इन ऑल इंस्टेंसेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ सिंगल पर्सन ओपनली और कोवर्टली वर्टली का मतलब होता है लेकिन यहां पर इसका मतलब है सीक्रेटली या फिर इनडायरेक्टली अब यहां पर ना अशोका मित्रन कहते हैं कि सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं हम एक सिचुएशन लेते हैं जहां पर आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड आपको गुस्सा आ रखा है तो डेफिनेटली आपका जो गुस्सा है या तो वो एक सिंगल पर्सन की तरफ ओपनली होगा मतलब या तो वो बिल्कुल डायरेक्ट आप गुस्सा करोगे डायरेक्टली उसको बोलोगे या फिर आप अपना गुस्सा कैसे निकालोगे कोवर्टली मतलब इनडायरेक्टली एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कन्विंस्ड दैट ऑल हीज़ वूज इग्नोमिनी एंड नेग्लेक्ट वर ड्यू टू मंगलम सुबू वूज का मतलब यहाँ क्या है डिस्ट्रेस इग्नोमिनी का मतलब होता है पब्लिक शेम नेग्लेक्ट मतलब होता है अगर हम किसी को रिजेक्शन मोड पर रखें तो यहाँ पर ना अशोक का मित्रन बता रहा है कि जो ये ऑफिस बॉय है ना ये जो ऑफिस बॉय है ये हमेशा थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड रहता था एक सिंगल पर्सन की तरफ क्यों क्योंकि इसे ये लगता था कि उस इंसान की वजह से अब वो इंसान को है वो है कोथा मंगलम, तो ऑफिस बॉय ये सोचा करता था कि इसके जो वूज है मतलब इसका जो स्ट्रेस है टेंशन है एंड जो इसका पब्लिक शेम है मतलब जो इग्नोमिनी है एंड ऑफिस बॉय को नेग्लेक्ट किया जाता है क्यों क्योंकि कोथा मंगलम सुब्बू इज़ देयर इन जेमिनी स्टूडियो ठीक है ऑफिस बॉय को ये लगता था इसकी हर परेशानी हर टेंशन का कारण मंगलम सुबह है सुबु वॉज़ द नंबर टू एट जैमिनाई स्टूडियोज़ ंगलम सुबू ये कौन था एक्चुअली ये जो हाई सिस्टम था ना जेमिनाई स्टूडियो में तो हाई सिस्टम में क्या होता टॉप टू बॉटम सबसे पहले बोस थे जिसका नाम था एस एस वासन सेकेंड नंबर पे कौन थे यही सुबू ये जो सुबू था ये सेकेंड हाइएस्ट ऑफिशियल था जैमिनाई स्टूडियो में ही कुड नॉट हैव हैड अ मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म देन आर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड अब यहाँ अशोक मित्रन दोनों का कंपेयर कर रहे हैं किसका कंपेयर ऑफिस बॉय का एंड मंगलम सुबू का और बता रहे हैं कि कोथा मंगलम सुबू जो है ना इसने भी जब फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था इसका कोई ऐसा खास एनकरेजिंग ओपनिंग नहीं था अगर हम इसके करियर को आ, अगर हम इसके करियर को ऑफिस बॉय के करियर से कंपेयर करें तो सो so, ऑल एंड ऑल अशोका मित्रिया ये कहना चाह रहे हैं कि ऑफिस बॉय एंड कोथा मंगलम सुबु दोनों का सेम तरीके का करियर बिगनिंग था ऑन द कॉन्ट्रेरी ही मस्ट हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स अब यहाँ ये कह रहे हैं अशोक मित्रन की अगर हम कोथामंगलम सूबू की बात करें इसको तो और भी ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा था क्यों क्योंकि जब इसने अपने करियर की शुरुआत की थी कोथामंगलम सूबू ने उस टाइम पर नो फॉर्म स्टेब्लिश फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज एंड स्टूडियोज तो कोथा मंगलक सुबू के करियर के बिगनिंग के टाइम पर कोई ऐसी स्टेब्लिश्ड जेमिनाई स्टूडियो की तरह कंपनियां स्टूडियो और नहीं थे राइट तो यहाँ पर अशोक मित्रन ये बात बता क्यों रहे हैं दोनों के बीच में कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं रीडर्स को कि भाई जो ये सुबू था ना इसकी जो बिगनिंग थी करियर की मतलब जो इसके करियर की शुरुआत थी वो भी बिल्कुल साधारण सी ही थी जैसी ऑफिस बॉय की थी लेकिन सुबह आज के टाइम पर सेकंड हाईएस्ट ऑफिशियल है एंड ऑफिस बॉय सबसे नीचे है हाई में इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन सुबू कुड नॉट हैव एन अप्रिशिएबल लीड ओवर आर बॉय अब करियर के अलावा अगर हम एजुकेशन की बात करें दोनों के तो दोनों का एजुकेशन भी बिल्कुल सेम ही था सुबू जो है उसके पास कोई हाइयर डिग्रीज नहीं थी एज कंपेयर टू ऑफिस बॉय बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न इन ब्राह्मण अ वर्च्यू इन डीड वर्च्यू मतलब होता है अ प्रिवलेज अ ब्लेसिंग अशोक मित्रन कहते हैं कि सुबह जो है ना वो काफ़ी प्रिवलेज रहा किस चीज़ को लेकर कि वो ब्राह्मण फैमिली से था अब सिंस वो ब्राह्मीन फैमिली से था दैट्स वाई ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर अफ्लुएंट सिचुएशंस अफ्लुएंट मतलब काफी वेल्दी एंड काफी ब्रोड यहां पर अशोका मित्रन कहते हैं सिंस सुबू एक ब्राह्मीन था यही इसके लिए एक ब्लेसिंग थी और ब्राह्मण लोगों को उस टाइम पर ना क्या होता था कि मौका मिलता था रिच लोगों के साथ उठने बैठने का तो यहाँ पर मित्र बताते हैं कि ये ब्राह्मण था इसलिए इसको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी मिला इसने काफ़ी अफ्लुएंट सिचुएशन देखी काफ़ी अमीर लोगों के साथ एलिट लोगों के साथ ये उठता बैठता था और इस एक्सपोजर से सुबू ने बहुत कुछ सीखा ठीक है He had the ability to look cheerful at all times, even after having had a hand in flop films. Cheerful का मतलब होता है smiley face, एक ऐसा face जो हमेशा खिला खिला सा रहे तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि सुबू की अगर कोई फिल्म फ्लॉप भी हो जाती थी तो ये ऐसा पर्सन था कि फ्लॉप फिल्म भी इसके ऊपर बैड इफ़ेक्ट नहीं करती थी फ्लॉप फिल्म देने के बाद भी इसके फेस पर हमेशा स्माइल रहती थी यह हमेशा तब भी खिलखिला ही रहता था ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर सम बडी ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन सिंस सुबह वॉज सेकेंड हाइएस्ट ऑफिशियल तो इसलिए इसके पास सबके लिए काम होता था क्योंकि ये खुद काम नहीं कर पाता था बट इज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद इज प्रिंसिपल कंप्लीटली यहाँ प्रिंसिपल जो वर्ड यूज किया है ना ये बॉस के लिए यूज़ किया है और यहाँ पर बॉस कौन है एस एस वासन जो जैमिना स्टूडियो का ओनर है अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जिससे सुबह को पहचान मिली तो सुबू को पहचान मिली उसकी सेंस ऑफ लॉयल्टी से सुबू इतना लॉयल पर्सन था वो जो लॉयल्टी थी उसके लिए आगे जाकर उसकी पहचान का कारण बनी और ये किसके लिए लॉयल था अपने बॉस के लिए कंप्लीटली लॉयल था टर्न इज इंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये देखो कितना लॉयल था सिंस सुबू जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन था बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आगे बताया भी गया है कि कितना क्रिएटिव था ये और इसने कभी भी अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ खुद के बेनिफिट के लिए नहीं किया बल्कि इसने अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ अपने बॉस के बेनिफिट के लिए किया प्रिंसिपल्स एडवांटेज मतलब बॉस का जो बेनिफिट है ही वॉज़ अ टेलर मेड फॉर फिल्मस टेलर मेड का मतलब होता है फिट सुबु फिल्म बनाने के लिए या फिल्म्स के लिए एकदम फिट पर्सन था हे वॉज़ अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड सो जब भी इसको किसी काम के लिए बोला जाता था ना सुबु को तो ये उसी टाइम उस काम को करने के लिए लग जाता था एंड ये जो सुबु था ये इतना क्रिएटिव था कि अगर प्रोड्यूसर इससे कोई सीन बताए कि भाई ये ऐसी ऐसी स्टोरी है इसको किस तरीके से शूट किया जाएगा तो सुबु के पास उसके कई तरीके होते थे कि एक पर्टिकुलर सीन को कैसे शूट किया जा सकता है अलग अलग तरह से तो आगे उसी के बारे में बात हुई है अब आगे ये बताया जा रहा है कि अगर कोई प्रोड्यूसर एक स्टोरी बताएं सुबह के सामने तो सुबह के पास उस स्टोरी को अलग अलग तरीके से शूट करने के आइडियाज़ होते थे तो यहाँ बताई गई है एक स्टोरी कि अगर हम ये स्टोरी बताएं सुबह को जैसे कि एक रेड की लड़ाई हो रही है टाइग्रेस के साथ अंडर वाटर में एंड किल्स हर अगर रेड टाइग्रेस को मार देता है उसके बाद रैट टेक्स पिटी ऑन द कब्स पिटी मतलब दया सिंपथी कब्ज मतलब जो टाइग्रेस के ऑफ स्प्रिंग हैं एंड टेंड्स दैम लविंगली आई डू नॉट नो हाउ टू डू द सीन। तो अगर सपोज करो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूसर ने ये सुबह को स्टोरी बताई कि रैट और टाइग्रेस में लड़ाई हुई जिसमें टाइग्रेस मर गई एंड उसके बाद जो टाइग्रेस के कब्ज़ थे उसके जो बच्चे थे उस पर रैट को दया आ गई अब रैट चाहता है कि वो अपना जो सिंपति uh, है या जो अपनी पेटी है वो शो करे किसको कब्ज़ को एंड इन कब्ज़ को थोड़ा सा प्यार करे तो अब ये बताया जा रहा है कि अगर ये सीन करना हो तो ये कैसे किया जाएगा ठीक है यहाँ पर स्टोरी बता दी कि भाई रैट जो है वो कैसे अपने प्यार को शो कर सकता है टाइग्रेस के बच्चों पर और ये सीन प्रोड्यूसर को समझ नहीं आ रहा तो अगर प्रोड्यूसर ने यह चीज सुबू को कही है तो सुबू वुड कम आउट विद फोर वेज ऑफ द रैट अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग अफेक्शन का मतलब होता है प्यार विक्टिम यहां पर किसके लिए यूज किया गया है टाइगर के टाइग्रेस के लिए ऑफ स्प्रिंग मतलब जो टाइग्रेस के बच्चे हैं तो सुबु ये स्टोरी सुनने के बाद इतना क्रिएटिव है कि भाई वो चार अलग अलग तरीके से बता देगा कि रेट किस तरीके से अपना प्यार कब्ज़ पर शो कर सकते हैं गुड बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ इफेक्टिव इनफ द प्रोड्यूसर वुड से अब यहाँ ये यह बताया जा रहा है कि अगर प्रोड्यूसर ने ये कहा कि ये जो चार अलग अलग तरीके सुबू ने बताए हैं ये हैं तो अच्छे बट प्रोड्यूसर को ये उतने इफेक्टिव नहीं लग रहे सो इन अ मिनट सुबू वुड कम आउट विथ फोर्टीन मोर अल्टरनेटिवस अब यहाँ ये यह भी बताया जा रहा है कि सुबू ना उसी टाइम विद इन अ मिनट एक मिनट में फोर्टीन अलग अलग तरीके से ये बता देगा कि अगर ये चार तरीके फिट नहीं हुए तो 14 अलग अलग तरीके हैं हम ऐसे ऐसे भी इस सीन को शूट कर सकते हैं सो हाईली क्रिएटिव पर्सन था ये फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वो सो इजी विद अ मैन लाइक सुबू अराउंड तो जेमिनाई स्टूडियो में जब भी सुबह आसपास होता था तो ऐसे लगता था कि फ़िल्में बनाना बहुत आसान है क्योंकि विद इन अ मिनट ये अलग अलग तरीके से बता दिया करता था कि किस सीन को कैसे शूट किया जा सकता है जो हाईली इफ़ेक्टिव लगे एंड लोगों को भी पसंद आए इफ़ एवर देअ वॉज़ अ मैन हु गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनाई स्टूडियोज ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स इट वॉज़ सुबह अब अगर हम जेमिनाई स्टूडियोज़ के गोल्डन ईयर्स की बात करें तो और ये देखें और ये क्वेश्चन पूछें कि जैमिनाई स्टूडियो को इतना अपलिफ्ट करने में इसको डायरेक्शन एंड डेफिनेशन देने में किसका हाथ है तो हमेशा सुबू का नाम ज़रूर आता है कि सुबू ने जेमिनाई स्टूडियो को एक यूनिक डायरेक्शन दी एक यूनिक पहचान दी सुबू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोएट एंड दो ही वो सर्टेनली केपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स सुबु जो है ये फिल्म मेकिंग तो करता ही था इसके अलावा इसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी भी थी एक अलग पहचान थी किस तौर पर एज अ पोइट के तौर पर मतलब ये लिखता भी बहुत अच्छा था इसने पोइम्स एंड नॉवेल्स भी लिखे हैं He was certainly capable of more complex and higher forms. Subbu जो है उसको काफ़ी difficult writing skills भी आती थी मतलब उसको ऐसी writing skills आती थी जो लोगों के शायद ही समझ में आए He deliberately, deliberately का मतलब जान बूझ कर इंटेंशनली चोज टू अड्रेस to पोइट्री टू द मासिस मासिस का मतलब है कॉमन पीपल दो सब इतना हाईली इंटेलिजेंट भी था इसको कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स भी आते थे लिखते वक्त ये डिफ़िकल्ट नोवेल या डिफ़िकल्ट पोइट्री लिखना भी जानता था जो शायद ही किसी को समझ आए लेकिन इसने डेलिब्रेटली ऐसी राइटिंग स्किल्स को चूज़ किया जो कॉमन पीपल को समझ में आए जो कॉमन मासिस को समझ में आए ये ऐसी ही पोइट्री लिखा करते थे ही सक्सेस इन फिल्म्स ओवर शेडोड तो इसकी जो फिल्म में सक्सेस थी फिल्म मेकिंग में या रोल में जो भी सक्सेस थी वो ओवर शेडो थी मतलब काफी बड़ी थी काफी बिगर थी एंड इट डिज लिटरेरी अचीवमेंट लिटरेरी अचीवमेंट मतलब राइटिंग स्किल्स तो इसकी फिल्म में सक्सेस इतनी ज्यादा थी कि इसकी लिटरेरी अचीवमेंट डवॉल्व पड़ गई मतलब छोटी पड़ गई स्मॉल पड़ गई और सो हीज क्रिटिक्स फेल्ट लाइक like और ऐसा किसको लगता था इसके क्रिटिक्स को क्रिटिक्स कौन होते हैं जो रिव्यू देते हैं पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोयम्स इन फोक रेफरेन एंड डिक्शन तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो ये है ना सुबह इन्होंने ना पोइट्री भी लिखी है कुछ पोयम्स भी लिखी किस किसमें फोक रेफरेन में एंड फोक डिक्शन में फोक रेफरेन का मतलब है कि कोई वर्ड्स बार बार एक स्टेंजा में रिपीट हो जा रहा है डिक्शन का मतलब है जब आप अपनी लैंग्वेज में कुछ लिखते हैं तो यहाँ बताया जा रहा है कि सुबह जो है ना इन्होंने फोक एंड डिक्शन में भी पोईट पोएम्स लिखी हैं ऑल्सो रोट अ स्प्रोलिंग novel. स्प्रोलिंग का मतलब होता है वेरी लॉन्ग और इन्होंने बहुत बड़ा एक novel भी लिखा जिसका नाम है तिलाना मोहनम्बल विद डजेंस ऑफ वेरी डेफ्टली एश्ड कैरेक्टर्स डेफ्टली का मतलब होता है एफर्टलेसली smoothly एश्ड का मतलब होता है डिफाइन करना तो यहाँ सुबु के बारे में ये बताया जा रहा है कि सुबू ने एक लॉन्ग नोवेल लिखा थल्लाना मोहनम्बल और इसमें इन्होंने डजन्स ऑफ कैरेक्टर्स को डिफाइंड किया एज्ड किया एंड किस तरीके से एकदम डेफ्ट तरीके से एफर्टलेसली मतलब इन्होंने जितने भी कैरेक्टर्स थे लाना अम्बल में दिखाए हैं वो बहुत ही स्मूथ तरीके से डिस्क्राइब किए हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से फिट किए हैं

फिल्म की एक्टिंग में भी कर फिल्म में एक्टिंग भी कर लिया करता था पोएम्स भी लिखता था नॉवल्स भी लिखता था राइट ही नेवर एस्पायर टू डू द लीड रोल्स दो सुबह अगर लीड रोल करता तो बहुत अच्छा करता बट इसने कभी ऐसे एस्पिरेशन शो नहीं किया एस्पिरेशन का मतलब ऐसे कई भी डिजायर नहीं दिखाई इसे सिर्फ लीड रोल करना है अगर सुबह को सपोर्टिंग रोल भी मिलता था तो वो भी ये बहुत अच्छे से किया करता था बट वट एवर सब्सिडरी रोल सब्सिड्री मतलब सपोर्टिंग रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म ही परफॉर्म्ड बेटर दैन द सपोज मेन प्लेयर्स सुबह की एक्टिंग स्किल्स इतनी अच्छी थी कि अगर ये सपोर्टिंग रोल भी करता था तो भी इसकी एक्टिंग मेन प्लेयर से मेन एक्टर से अच्छी होती थी इसकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया लगती थी ही हैड अ जेनविन लव फॉर एनी वन हु came across him and his house was a permanent residence for dozens of near and far relations and acquaintances acquaintances का मतलब होता है जो जान पहचान के लोग हैं अभी आप बताया जा रहा है कि सुबु जो था वो इतना काइंड पर्सन था वो जिससे भी मिलता जिससे भी उसकी पहचान होती उसके लिए उसके मन में हमेशा जेन्युइन लव होता था एंड नॉट ओनली दिस इसका जो घर था वो हर दूर और पास के रिश्तेदारों के लिए हर दूर और पास के पहचान वालों के लिए एक परमानेंट रेजिडेंस भी था तो इसके घर में डजन्स ऑफ लोग रहा करते थे जो इसकी जान पहचान के थे इट सीम्ड अगेंस्ट सुबूज नेचर टू बी इवन कॉन्शियस दैट ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मैनी ऑफ देम और कमाल की बात यह है कि सुबू जो है ना उसने कभी इस चीज को बोदर भी नहीं किया कि उसके घर में इतने लोग रह रहे हैं एंड अनकॉन्शियसली वो इन लोगों को फीड करता था खाना खिलाता था सपोर्ट करता था ही वो सच अ चैरिटेबल एंड इंप्रोविडेंट मैन चैरिटेबल मतलब जो uh, पैसे एकदम से ऐसे दान कर दे जो अप, मतलब जिसके मन में ना ऐसे ईर्ष्या ना भावना ना हो जो किसी के लिए ऐसे बुरा ना सोचता हो इंप्रोविडेंट का मतलब होता है स्पेंड थ्रिफ्ट जो काफी खर्चा कर देता है तो डजेंस ऑफ पीपल इसके घर में रहा करते थे ये उनको सपोर्ट करता था उनको फीड करता था तो ये एक तरीके का चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन था ये खर्चा करते वक्त सोचता नहीं था येट ही हैड एनिमीज और ये देखो कि चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन ये इतने एक्सटेंट तक का था फिर भी इसके एनिमीज थे इसके काफी दुश्मन थे अब आगे ना कुछ क्वेश्चन में रीजन बताएं क्वेश्चन पूछ के कि क्या ये ये रीजन थे कि इसके इतने एनिमीज थे चलिए रीजन देखते हैं फर्स्ट है वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विथ बॉस क्या रीजन ये था कि वो एस एस वासन जो उनका बोस था उसके साथ हमेशा रहा करता था उसके साथ ही घूमा फिरा करता था उसके लिए ही लॉयल रहा करता था और वॉज इट बिकॉज हिज जनरल डिमीनर दैट रिजेंबल्ड आ सिकोफेंट डिमीनर का मतलब क्या होता है आपका बिहेवियर एंड सिकोफेंट का मतलब क्या होता है चापलूस किस्म का इंसान तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि आ, जो आ, ये थे अगर चापलूस की चापलूस सही से नहीं लिखा है तो देख लेना इसको कैसे लिखते हैं खैर ये तो इंग्लिश क्लास है बट स्टिल सिकोफेंट का मतलब होता है चापलूस ठीक है अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि सुबह का बिहेवियर डिमीनर मतलब उसका क्या जनरल बिहेवियर ऐसा था जैसा एक चापलूस का होता है और चापलूस के बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं राइट और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरी या फिर उसके बहुत सारे एनिमीज इसलिए थे क्योंकि वो हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा ही बोला करता था कभी बुरा नहीं बोला करता था इन केस देयर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुबू डायरेस्ट का मतलब टेरिबल और यू कैन से बैड तो यहां पर बताया है कि सुबु का जो सबसे बड़ा दुश्मन था वो कौन था मेकअप डिपार्टमेंट का मैन वो था ऑफिस बॉय जो मेकअप डिपार्टमेंट में ऑफिस बॉय था ऑफिस बॉय कौन था जो कि अपने अर्ली फोर्टीज़ में था एंड ये क्राउड को मेकअप लगाया करता था एंड यही अशोका मित्रन को कहता था कि इसकी जो लिटरेरी अचीवमेंट्स हैं वो यहाँ वेस्ट हो रही हैं क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है ये पवर्ड्स एंड बारबर्स को सूट करता है राइट तो यहाँ पर जो है ये ऑफिस बॉय इतना चिड़ता था इस सुबह से इतनी जेलस खाता था कि इसके लिए ये डायरेस्ट चीज़ों की विश किया करता था मतलब ये चाहता था कि कुछ इसके साथ बहुत ही दुर बहुत ही गंदे वाला घट जाए बहुत ही टेरिबल चीज़ इसके साथ हो जाए राइट तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है ऑफ़िस बॉय सुबह का बिगेस्ट एनिमी था now with this we have completed the second part of the video you can follow me on instagram and telegram thank you so much hello everyone welcome back to my channel learning with pace hamlog poets and pancakes ka of third part Pancakes. you saw subu always with the boss but in the attendance roles, he was grouped under a department called the story department comprising a lawyer एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोइट्स देखो यहाँ पर बात हो रही है एक स्टोरी डिपार्टमेंट के बारे में अब आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि इससे पहले हमने मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में बात की थी मेकअप डिपार्टमेंट जो कि जैमिनाई स्टूडियो में था एंड उसमें हाईरायर की सिस्टम को फॉलो किया जाता था जो चीफ मेकअप आर्टिस्ट थे वो मेन एक्टर एंड एक्ट्रेसेस पर मेकअप किया करते थे जो सेकंड सीनियर मेकअप असिस्टेंट थे वो सब्सिडरी रोल या जो सपोर्टिंग रोल वाले एक्टर्स थे एक्ट्रेसेस थे उन पर मेकअप किया करते थे थर्ड नंबर पर कौन थे थर्ड नंबर पर थे जूनियर मेकअप आर्टिस्ट जो कि कॉमेडियंस पर मेकअप किया करते थे इसके अलावा इस हाई में सबसे लास्ट में कौन थे सबसे लास्ट में ऑफिस बॉय था जिसके बारे में हमने पढ़ा अशोका मित्रन ने ऑफिस बॉय के बारे में बहुत सारी बातें बताई जिसमें हमें यह पता चला कि ये ऑफिस बॉय सुबह से बहुत जेलस फील करता था ऑफिस बॉय का, का काम था कि क्राउड पर मेकअप करना या जो ऑर्डिनरी पीपल हैं जो फिल्म में ऑर्डिनरी लोग काम कर रहे हैं उन पर मेकअप करना ठीक है तो हमने जेमिनाई स्टूडियो में मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में बात की अब हम स्टोरी डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे स्टोरी डिपार्टमेंट में सुब्बू भी था सुब्बू के अलावा स्टोरी डिपार्टमेंट में लॉयर एंड राइटर्स एंड पोइट्स भी थे तो यहाँ ये बताया है कि वैसे तो अगर हम देखें जेमिनाई स्टूडियो में सुब्बू हमेशा अपने बॉस के साथ रहा करता था बॉस कौन है एस एस वासन लेकिन सुब्बू की अटेंडेंस एक डिपार्टमेंट में लगती थी जिसका नाम था स्टोरी डिपार्टमेंट कंप्राइजिंग का मतलब होता है कंटेन स्टोरी डिपार्टमेंट में सुबु के अलावा कौन कौन थे एक लॉयर था इसके अलावा कुछ राइटर्स एंड पोइट्स भी थे आगे लॉयर के बारे में बताया है द लॉयर वॉज ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज द अपोजिट देखो यहाँ ये बताया है कि वैसे तो इस स्टोरी डिपार्टमेंट में इस लॉयर को किसकी पोजीशन मिली हुई थी लीगल एडवाइज़र की राइट लेकिन सभी इसको लीगल एडवाइजर कहकर नहीं बुलाते थे तो इसके बिल्कुल अपोजिट बुलाते थे इन लीगल एडवाइजर सोर्ट ऑफ वाई देर इज अ रीज़न बिहाइंड दैट लोगों को लगता था कि जो ये लॉयर है ना इसके एक्शंस अच्छे नहीं हैं आई मीन द लॉयर्स एक्शन डिन नॉट डू एनी गुड दैट्स वाई एवरीबडी रेफर्ड हिम एज द अपोजिट टू द लीगल एडवाइजर इसका एक रीज़न भी बताया है लीगल एडवाइजर इसको लोग क्यों नहीं कंसिडर करते थे तो उसका एक एग्जाम्पल एक एक इंसिडेंट यहां बताया है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे और इंसिडेंट ये है कि एक एक्ट्रेस की जॉब चली गई थी इस लॉयर की वजह से तो चलिए अब देखते हैं वो यहां क्या बताया है एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस हु वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल का मतलब है शोर्ट टेंड जिस इंसान को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उसे हम कहते हैं या तो शोर टेम्पर्ड या एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल शी वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट ब्लू ओवर का मतलब होता है थ्रोइंग टेंट्रम्स वाइल एवरी वन स्टूड स्टंट स्टंट का मतलब ऐसे एस्ट्रोनिस्ट एकदम से मतलब चौक जाना द लोअर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट तो यहाँ पर एक इंसिडेंस बताया है कि एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस थी लेकिन उसको गुस्सा बहुत आता था तो एक दिन हुआ ये कि वो एक्स्ट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस जो थी उसने ना सेट पर टेंट्रम्स थ्रो करने शुरू कर दिए और वो दो चार बातें जो है प्रोड्यूसर के बारे में बोलने लगी तो सब ये सुनकर ना स्टन रह गए मतलब चौंक गए लेकिन जो ये लॉयर था जिसको सो कॉल्ड लीगल एडवाइजर कहा गया इसने क्या किया इसने इस एक्ट्रेस की बात को रिकॉर्ड कर लिया बाय स्विचिंग ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट ठीक है वेन द एक्ट्रेस पोज फॉर ब्रीथ द lawyer सेट टू हर वन मिनट प्लीज अब ये जो एक्ट्रेस थी जब ये शाउट किए जा रही थी बोले जा रही थी तो बीच में इसने जो है ब्रेक लिया बोलने के बीच में ताकि ये सांस ले थोड़ा सा इसने ब्रेक लिया लेकिन जैसे इसने ब्रेक लिया लॉयर ने कहा एक मिनट रुको प्लीज ठीक है एंड लॉयर प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग अब जैसे ही वो रुकी तो लॉयर ने क्या किया जो जितनी भी बातें उसने इसकी रिकॉर्ड की थी वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग उसने प्ले बैक कर दी मतलब सारी रिकॉर्डिंग सबको सुना दी देर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फाउल अबाउट द एक्ट्रेस टायरेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर इनक्रिमिनेटिंग का मतलब है कि भाई ऐसा कोई सबूत जो किसी को गिल्टी फील करा दे राइट right? Unmentionably फाउल का मतलब है unmentionably का मतलब होता है वेरी ऑफेंसिव फाउल का मतलब होता है थोड़ी सी रोंग लैंग्वेज tirade का मतलब होता है जब आप किसी को अपमानित करने के लिए मतलब डिस्क्रेस करने के लिए एक लंबा सा स्पीच दे दे, ठीक है अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ इस लाइन का मतलब ये है कि ये जो एक्ट्रेस थी ना इसने प्रोड्यूसर के अगेंस्ट ऐसा कुछ भी नहीं बोला था इतना भी इसने कुछ उसको डिस्ग्रेस नहीं किया था और जो भी उसने रिकॉर्डिंग चलाई थी लॉयर ने वो कोई ऐसा सबूत नहीं था कि एक्ट्रेसेस को उसकी जॉब से हाथ धोना पड़े क्योंकि एक्ट्रेस ने कुछ भी ऐसा गलत नहीं बोला प्रोड्यूसर के बारे में बट यहाँ ये बताया गया है कि देखो ये लीगल एडवाइज़र जो था इसने कितना गलत किया Uh, जो रिकॉर्डिंग थी वो सबके सामने सुना दी दो ये एक्ट्रेस ने कुछ भी ऐसा रोंग लैंग्वेज यूज़ नहीं की ऑफेंसिव वर्ड यूज़ नहीं किए प्रोड्यूसर के अगेंस्ट जो इसको गिल्टी फील कराए लेकिन फिर भी क्या हुआ सबके सामने ये जो है एक कल्प्रिट बन गई थी बट वैन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट शी वॉज स्ट्रक डम्प स्ट्रक डम का मतलब होता है ग्रेटली सरप्राइज जब आप अपनी कई भी बातों पर बहुत ही ज़्यादा ऐसे सरप्राइज हो जाएं लेकिन जब इसने अपनी खुद की रिकॉर्डिंग सुनी तो ये एकदम से स्ट्रक डम हो गई मतलब इसे बहुत सरप्राइज हुआ कि इसने क्या कह दिया दो उसमें कुछ इसने ऐसा ऑफेंसिव नहीं कहा अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड अब हमें यह पता चलता है कि ये एक्ट्रेस जो है ना ये कंट्री साइड से थी कंट्री साइड का मतलब है गांव से शी हैड नॉट गोन थ्रू ऑल द स्टेजिज ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस अब यहाँ ये बताया है कि सिंस ये एक्ट्रेस जो थी ये गाँव से थी तो उसने कुछ ऐसा अभी तक वर्ल्डली एक्सपीरियंस नहीं किया था मतलब उसका कुछ ज्यादा ऐसा एक्सपोजर मिला नहीं उसको लाइफ का दैट जनरली प्रिसीड अ पोजिशन ऑफ इम्पोर्टेंस एंड सोफिस्टिकेशन दैट शी हैड फाउंड हर सेल्फ कैटापल्टेड इन टू तो यहाँ ये बताया है कि ये जो एक्ट्रेस uh, थी ये थोड़ी सी गांव से थी इसको ना ऐसा कुछ एक्सपोजर नहीं मिला था लाइफ का वर्ल्ड एक्सपीरियंस का कि देश दुनिया में क्या होता है जिससे इसने ना तो कभी ऐसा सोफिस्टिकेशन लेवल सीखा राइट right? लेकिन कहीं ना कहीं सिंस शी डिड नॉट गेट द एक्सपोजर ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस वहीं पर इसकी थोड़ी सी जो है ये लैक कर गई ठीक है she never quite recovered from the terror she felt that day और उस recording के बाद ये अपने आ, जो आ, एक एक fear होता है ना अंदर से कि उसने कुछ गलत कर दिया ऐसा fear so she could never never ever overcome the fears she was having right that was the end of the brief and brilliant acting career

इसने ना अन इंटेंशनली वो रिकॉर्डिंग प्ले की थी इसका कोई ऐसा इरादा नहीं था कि ये जॉब छोड़ कर चली जाए बट हुआ ये एट द एंड कि वो अपने फियर से टेरर ऑफ टेरर ऑफ फियर मतलब अपने डर से वो कभी बाहर नहीं आ पाई ओवरकम नहीं कर पाई एंड उसके बाद उसके करियर का एंड हो गया दो उसका करियर काफ़ी छोटा था ब्रीफ था बट वेरी ब्रिलियंट था तो यहाँ हमें ये बता रहे हैं अशोका मित्रन की लोगों को यह लगता था कि ये एक्ट्रेस जो है वो इस लीगल एडवाइजर की वजह से जॉब छोड़ के गई उसको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा सिर्फ इस इंसान की वजह से जो कि एक लीगल एडवाइजर के तौर पर जाना जाता है दैट्स वाई पीपल यूज़ टू से दैट हिज एक्शन डिड नॉट डू एनी गुड एंड ही वॉज बींग रेफर्ड अपोजिट टू लीगल एडवाइजर वाइल एवरी अदर मेम्बर ऑफ द डिपार्टमेंट वोर अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म खादी धोती एंड विद अ स्लाइटली ओवर साइज एंड क्लम्सली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट द लीगल एडवाइजर वोर पैंट्स अ टाई एंड sometimes कोट दैट लुक लाइक अ कोट ऑफ मेल तो यहाँ बताया है कि लीगल uh, एडवाइजर को छोड़ के स्टोरी डिपार्टमेंट में जितने भी मेंबर थे वो एक तरीके की यूनिफॉर्म पहना करते थे उनकी यूनिफॉर्म कैसी होती थी उनकी यूनिफॉर्म थी खादी धोती खादी धोती के ऊपर वो वाइट खादी शर्ट पहना करते थे और ये शर्ट काफ़ी ओवर साइज एकदम लूज एंड क्लम्सली टेलर्ड का मतलब है पुअर तरीके से जो स्टिच्ड हुई वाइट खादी शर्ट थी वो पहना करते थे अगर हम लीगल एडवाइज़र की बात करें तो लीगल एडवाइज़र का क्या ड्रेसिंग था वो हमेशा पैंट्स पहना करता था एक टाई लगाया करता था एंड शर्ट के ऊपर फिर वो कोट पहना करता था समटाइम्स। लेकिन जब भी वो कोट पहनता था वो कोट ऐसा लगता था जैसे इट इज़ अ कोट ऑफ मेल मतलब वो आर्मर की तरह लगता था कोट जो है उसका आर्मर की तरह कवच की तरह लगता था एंड इट वॉज डेकोरेटेड ऑल्सो ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हैल्पलेस अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर सो एक्चुअली क्राउड ऑफ ड्रीमर का मतलब ये है कि देखो लोग जब भी फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो एक सपनों की दुनिया में रहते हैं तो इतने सपनों की दुनिया में रहने वाले लोगों के बीच में ये लीगल एडवाइजर एक ऐसा मैन था जो कि कोल्ड लॉजिक था कोल्ड लॉजिक का मतलब ही वॉज वेरी प्रैक्टिकल और इसीलिए ये कभी कभी अपने आप में ये देखता था कि ये थोड़ा सा अलोन है एंड ये क्राउड के बीच में मिक्सअप नहीं हो पाता था एंड ये काफ़ी अलोन एंड हेल्पलेस लगता था अ न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली ऑफ गांधी हाइट्स एंड खादी हाइट्स गांधी हाइट्स का मतलब दोज हु बिलीव इन गांधी जी एंड खादी हाइट्स दोज हुर खादी क्लोथ्स तो यहाँ बताया है कि लीगल एडवाइज़र को छोड़कर जितने भी लोग थे वो गांधी को फॉलो करते थे एंड वो खादी कपड़े पहना करते थे वेयर एज अगर हम लीगल एडवाइज़र की बात करें तो ये पैंट टाई एंड कोट पहना करते थे राइट right? तो इसीलिए यहाँ ये बताया है कि ये जो लीगल एडवाइज़र था ये एक कोल्ड लॉजिक पर्सन था काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज ये रखता था और काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान था तो इसीलिए ये इस आ, एक ऐसी क्राउड में जो क्राउड एक ड्रीमर्स की क्राउड थी एक सपनों की दुनिया में जो रहते थे वो लोग जो गांधी को फॉलो किया करते थे खादी पहना करते थे इन लोगों के बीच में हमेशा लीगल एडवाइजर अलोन एंड हेल्पलेस फील करता था लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस ही वॉज़ अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म सो बहुत लोगों की तरह जैसे बहुत सारे लोग थे ना जो बॉस के साथ क्लोज में थे तो उसी तरीके से ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म ये लीगल एडवाइजर भी बॉस के काफी क्लोज था और इसको भी बॉस ने एस एस वासन ने अलाउ किया हुआ था कि ये फिल्म को प्रोड्यूस कर सकता है दो अ लोट ऑफ रो स्टॉक एंड पैनकेक वर यूज ऑन इट नॉट मच केम ऑफ द फिल्म तो हुआ ये कि इस लीगल एडवाइजर ने एक फिल्म बनाई जिसमें कि काफ़ी रॉ स्टॉक लगा था जैसे काफ़ी सारी ड्रेसेस एंड अदर स्टफ जो भी मूवीज़ में लगता है इक्विपमेंट्स एंड ऑल एंड पैनकेक का मतलब है बहुत सारा मेकअप भी यूज़ किया गया था मूवी में बट वो मूवी काफ़ी चली नहीं राइट right, वो मूवी चली नहीं तो यहां पर रोस टोक एंड पैनकेक का मतलब ये भी है कि काफ़ी पैसा लगा उस मूवी में एंड काफ़ी एफर्ट्स भी लगे थे बट इसके बावजूद वो मूवी चली नहीं देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट तो हुआ एक दिन कि एस एस वॉसन ने जमिना ही स्टूडियो में जो स्टोरी डिपार्टमेंट था इसको बंद कर दिया एंड परहैप्स दिस वॉज द ओनली इंस्टेंस दैट इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री वी आर अ लोअर लॉस्ट इज जॉब बिक द Poets were asked to go home. So, ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा देखा गया कि एक लॉयर ने अपनी जॉब लूज कर दी थी उसकी जॉब लॉस्ट हो गई थी व्हाई बिकॉज जो भी जेविनाई स्टूडियो में पोइट्स थे या स्टोरी डिपार्टमेंट में जो पोइट्स थे उनको कहा कि तुम लोग अब घर जाओ क्यों क्योंकि मूवी अच्छी चली नहीं देखो मूवी अच्छी ना चलने का एक रीज़न ये भी होता है कि शायद कहानी अच्छी नहीं बनी होगी राइट right? कहानी अच्छी नहीं लिखी तो इसीलिए लिए पोइट्स को कहा कि आप लोग घर जाएँ जब पोइट्स ही नहीं थे तो वहाँ लॉयर का क्या काम था तो इसलिए लॉयर ने भी अपनी जॉब यहां खो दी थी जेमिनाई स्टूडियोज वॉज द फेवरेट होंट फेवरेट होंट मतलब फ्रीक्वेंटली विजिट कहीं पर बार बार आना बार बार आना जाना है। उसे कहते हैं फेवरेट होंट सो जेमिनाई स्टूडियो वॉज द फेवरेट होंट ऑफ द पोइट्स लाइक एस डी एस योगी आर सुब्रमण्यम कृष्णा शास्त्री हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय सो so, ये जो एस डी एस योगी थे ये एक फ्रीडम फाइटर भी थे नेशनल पोइट भी थे हरिंदरनाथ चट्टोपाध्याय ये एक पोइट एंड प्ले राइट थे तो यहाँ ये बताया कि जैमिना स्टूडियो में काफ़ी सारे जो पोइट्स थे वो आते रहते थे जैसे कि एस डी एस योगी हो गए संगू सुब्रमण्यम कृष्णा शास्त्री एंड हरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय इट हैड एन एक्सीलेंट मैस विच सप्लाइड गुड कॉफी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट तो यहाँ ये बताया गया है कि जेमिनाई स्टूडियो में बहुत अच्छी कॉफ़ी मिला करती थी दिन भर लेकिन मोस्टली रात में तो हमेशा कॉफ़ी अवेलेबल होती ही थी दोज वर द डेज़ वेन कांग्रेस रूल मेंट प्रोहिबिशन एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी वॉज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट फिर यहाँ ये बताया गया है कि जो कांग्रेस थी देखो उस टाइम पर कांग्रेस ही नेशन पर रूल कर रहे थे तो कांग्रेस रूल्स रेगुलेशंस बनाते थे लोगों को फॉलो करने पड़ते थे तो कांग्रेस ने एक रूल बनाया था प्रोहिबिशन का प्रोहिबिशन का मतलब है कि कोई भी अल्कोहल नहीं पिएगा लीकर नहीं कंज्यूम करेगा तो इसीलिए लोग ओवर अ कप ऑफ कॉफी मीटिंग किया करते थे मतलब प्रोहिबिशन था किस चीज का एल्कोहल का शराब दारू नहीं पीनी थी तो इसलिए लोग कॉफी पिया करते थे साथ में बैठकर। कर तो का मित्रन ये बताते हैं कि कॉफी पीना रादर बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता था और यह बहुत अच्छा एक एंटरटेनमेंट भी होता था बारिंग द ऑफिस बॉयज एंड अ कपल ऑफ क्लर्क एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियोज रेडिएटेड लेजर अ प्री रेक फॉर पोइट्री बारिंग मीन्स एक्सेप्ट मतलब छोड़कर प्री रेकुजिट मीनिंग नेसेसिटी जो बहुत ही ज़रूरी हो तो यहाँ ये यह बताया है कि जेमिनाई स्टूडियो में ऑफिस बॉय एंड क्लर्क को छोड़कर कर बारिंग मतलब छोड़कर तो ऑफिस बॉय एंड क्लर्क को छोड़कर जितने भी लोग थे उनको रेडिएटेड लेजर मतलब उनको इतना टाइम मिल जाता था कि वो थोड़ी देर बैठकर कर enjoy कर लिया करते थे एंड दैट वाज प्री रेक्विजिट फॉर पोइट्री ऑल्सो क्योंकि पोइट्री लिखने के लिए आपको स्ट्रेस फ्री तो होना चाहिए ही तो इसीलिए यहाँ बताया है कि ऑफिस बॉय एंड क्लर्क का काम बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ऐसा था कि वो ऑल द टाइम बिजी रहते थे लेकिन अगर हम एवरी वन एल्स की बात करें उन इन लोगों को छोड़कर अगर हम औरों की बात करें तो उनका काम थोड़ा सा ईजी गोइंग था और पोइट्री लिखने वालों के लिए तो कम से कम ये बहुत ज़रूरी था कि उनको थोड़ा खाली टाइम मिले ताकि वो सोच समझ कर पोइट्री लिखें और उन उन पर स्ट्रेस ना हो मोस्ट ऑफ दैम वो खादी एंड वर्शिप्ड गांधी जी सो so, जमीना स्टूडियो में बहुत सारे लोग जो है वो क्या पहनते थे खादी पहनते थे एंड गांधी जी को वर्शिप करते थे वर्शिप करने का मतलब है गांधी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे बट बियॉन्ड दैट दे डिड नॉट हैव एनी सोर्ट ऑफ फेंटेस्ट अप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड अब यहाँ ये बताया है कि भाई ये जो लोग थे गांधी को फॉलो करते थे भले ही खादी कपड़े पहना करते थे बट उनको पॉलिटिकल की तरफ या पॉलिटिक्स की तरफ इतना uh, कुछ ऐसा नॉलेज नहीं था जो बहुत डीप नॉलेज हो सो वर हैविंग द फेंटेस्ट अप्रीशियेशन फिंटेस्ट अप्रीशियशन का मतलब होता है जब आपको पॉलिटिकल थॉट्स अनक्लियर हो तो इन लोगों को इतना पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता था इट जस्ट दैट कि इनको गांधी जी के बारे में पता था और ये गांधी जी को फॉलो किया करते थे एंड देवर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म एवर्स मतलब हेट और ये सब लोग कम्युनिज्म को हेट किया करते थे तो यहां ये समझ में आता है कि ये गांधी जी को फॉलो करते थे एंड कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को हेट किया करते थे इसके अलावा इनका ऐसा कोई पॉलिटिकल थॉट में डीप नॉलेज नहीं थी इनफैक्ट वर हैविंग द फेंटेस्ट अप्रिसिएशन मतलब अनक्लियर सो दे वर हैविंग द अनक्लियर नॉलेज और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पॉलिटिकल थॉट्स सो इन सभी लोगों को यह लगता था कि जो कम्युनिज्म है ये गलत है वो गलत क्यों लगता था उसका भी एक रीजन दिया है अब यहाँ ये भी बताया गया है कि ये कम्युनिज्म के बारे में क्या सोचते थे देखो कम्युनिज्म को फॉलो करने वाले जो लोग थे उनको कहते हैं कम्युनिस्ट तो इनका ये मानना था अ कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन ही हैड नो फीलियल और कॉन्जुगल लव कि जो कम्युनिस्ट है वो एक गॉडलेस मैन है मतलब वो एक डेविल पर्सन है वो भगवान का बंदा नहीं है एंड वो ना तो फिलियल लव रखता है ना कॉन्जुगल लव रखता है फिलियल मतलब अपने भाई बहन से प्यार जो होता है अपने फैमिली से जो प्यार होता है फिलियल कहते हैं कॉन्जुगल लव का मतलब होता है जो एक स्पाउस के साथ होता है ही हैड नो कंपंक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रेन कंपंक्शन का मतलब होता है गिल्ट ये भी बताया गया है कि जो कम्युनिस्ट है ना वो एक ऐसा बंदा होता है वो जो कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं वो ऐसे लोग हैं उनको अपने पेरेंट्स और अपने बच्चों को मारने में गिल्ट भी नहीं होगा उनका बस एक ही काम होता है क्या काम होता है दे आर देअर टू कोज एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वोलेंस अमंगस्ट इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल तो जो कम्युनिस्ट है उनका काम क्या होता है कि जो इग्नोरेंट लोग हैं जो इनोसेंट लोग हैं उनके बीच में अनरेस्ट पैदा करना वॉयलेंस पैदा करना यही इनका काम होता है सो सच नोशन विच प्रिवेल्ड एवरीवे एल्स इन साउथ इंडिया एट द टाइम ऑल्सो नेचुरली फ्लोटेड अबाउट वेगली अमंग द खादी क्लैड पोइट्स ऑफ जेमेनाई स्टूडियोज एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग फिर आगे यहां बताए कि पूरे साउथ इंडिया में यही थॉट्स थे लोगों के कि कम्युनिस्ट जो है वो डेविल पर्सन हैं ना उसको अपनी फैमिली से प्यार है ना उसको अपनी वाइफ से प्यार होता है वो अपने बच्चों को और अपने पेरेंट्स को मारने में एक बार भी नहीं सोचेगा बस बस उसका एक ही काम होता है कि हमेशा अनरेस्ट एंड वोइलेंस फैलाया जाए सो so ये सब थाट्स किसके थे खादी क्लैड फॉलो करते थे ऐसे विचार लोगों के थे. क्योंकि ये गांधीयन थे गांधी जी को फॉलो करते थे और कम्युनिज्म को हेट किया करते थे अब इसका सबूत जो है वो आगे बताया भी हुआ है वेन फ्रेंक बकमेंस मॉरल री आर्माेंट आर्मी सम टू हंड्रेड स्ट्रोंग विजिटेड मद्रास समाइम इन नाइनटीन फिफ्टी टू दे कुड नॉट हैव फाउंड अ वोम होस्ट इन इंडिया देन द जैमिनाइज स्टूडियोज यहाँ फ्रेंक बकमेन के बारे में बात हुई है फ्रेंक बकमेन जो एक मिनिस्टर थे इनकी एक आर्मी थी मोरल री आर्मामेंट आर्मी और इस आर्मी का मेन कोज क्या था इसका एक मेन एम क्या था ये चाहते थे कि लोगों को मोरली अवेक किया जाए ठीक है लोगों को मोरली अवेक किया जाए अब ये जो फ्रैंक बकमैन थे इन्होंने आना था यहां पर आ, इंडिया में तो जब ये इंडिया में आए तो इनको लगा कि जेमिनाई स्टूडियो से अच्छा इनका कोई वॉर्मर होस्ट हो नहीं सकता मतलब जेमिनाई स्टूडियो से अच्छा इनकी कोई स्वागत कर नहीं सकता तो इसलिए जेमिनाई स्टूडियोज में आए थे एंड देयर वाज वन रीज़न बिहाइंड दैट जेमिनाई स्टूडियोज़ के लोग जो थे वो पोलिटिकल इंक्लिनेशन रखते थे दो इनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी डीप नॉलेज नहीं थी राइट right? तो ये जो फ्रैंक बकमैन अपनी आर्मी के साथ आए थे तो इसमें लगभग दो लोग थे जो मद्रास में आए नाइनटीन फिफ्टी में सम वन कोल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस तो यहां पर यह भी बताया गया कि ये जो ग्रुप है ना मोरल री आर्मामेंट आर्मी का इसको ये कहा जाता था कि ये इंटरनेशनल सर्कस करते हैं दे वर नॉट वेरी गुड ऑन द ट्रैपीज ट्रैपीज का मतलब होता है एरोबिक्स तो ये जो आर्मी थी ये एरोबिक्स करने में कोई खास आ, अच्छे नहीं थे देयर आर एक्वेंटेंस विद एनिमल्स वॉज ओनली एट डिनर टेबल और ये एनिमल से कब मिलते थे अपनी डिनर टेबल पर तो इससे हमें ये पता चलता है दे और दे ओल वर नॉन वेज बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेस इन मोस्ट प्रोफेशनल मैनर और ये जो बकमेन की मोरल री आर्मामेंट आर्मी थी जिसमें लगभग 200 लोग थे इन्होंने दो प्लेज परफॉर्म किए थे दो प्लेस प्रेजेंट किए थे बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से और वो कौन कौन से थे ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है एक तो जोथम वैली एंड दूसरा है द फो फैक्टर एंड यही दोनों जो प्लेस थे जोथम वैली फॉर गोटन फैक्टर ये मद्रास में लगातार चलते रहे अलोंग विद अदर सिटीजन ऑफ द सिटी एंड द जेमिनाई फैमिली ऑफ 600 हंड्रेड सो द प्लेस ओवर एंड ओवर अगेन और मद्रास में बहुत सारे लोग जो मद्रास के लोग थे जो वहाँ के सिटीजन्स थे एंड जेमिनाई स्टूडियो में जो 600 लोग थे उन्होंने इन दोनों प्ले को बार बार बहुत बार देखा द मैसेज ऑफ द प्लेज वर यूजली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज और इन दोनों प्लेज का जो मैसेज था वो कैसा था एकदम प्लेन एकदम सिम्पल सा एंड होमिलीज़ का मतलब है रिलीजियस मैसेज एक रिलीजियस मैसेज था बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम वो फर्स्ट रेट और ये भी बताया है कि जोतम वैली द फोर गोटन फैक्टर इनमें जितने भी ये आर्मी के लोग थे इन्होंने जो भी कॉस्ट्यूम पहने थे वो क्या थे वो बेसिकली दे वर वियरिंग द फर्स्ट रेट कॉस्ट्यूम्स एंड जो सेट था वो भी बहुत ही अमेजिंग था मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी

काफ़ी अच्छे मैसेज दिए थे और सिंपल एडवाइस दी थी लोगों को और इनकी आइडियोलॉजी ये थी कि भाई पीस प्रिवेल होना चाहिए एंड देवर अगेंस्ट कम्युनिज्म सो मोरल री आर्मा री आर्मामेंट आर्मी ने जब दो प्लेज परफॉर्म किए थे उन दोनों प्लेज में सनराइज़ एंड सनसेट दिखाया गया था और इन दोनों प्लेस से मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी काफ़ी इम्प्रेस हुए थे और तमिल प्लेज में तो क्या हुआ कि हर एक प्ले में ये सीन तो रखा ही जाता था सनराइज़ का एंड सनसेट का जैसे कि जोथम वैली में किया गया था और ये सीन कैसे दिखाया जाता था सनराइज़ एंड सनसेट का एक बेयर स्टेज होता था मतलब एक खाली स्टेज अ वाइट बैकग्राउंड कर्टेन और पीछे एक वाइट कलर का कर्टेन लगा दिया जाता था बैकग्राउंड में और एक ट्यून प्ले होती थी फ्लूट पर इस तरीके से सनराइज एंड सनसेट का सीन दिखाया जाता था कौन से प्लेज में तमिल प्लेज में और इंस्पिरेशन इनको कहाँ से मिली जोथम वैली से इट वॉज सम ईयर्स लेटर दैट आई लर्न दैट एम आर ए वॉज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज़्म हमारे जो ऑथर हैं अशोका मित्र इनको काफ़ी टाइम के बाद पता चला था कि जो एम आर ए हैं मतलब जो ये मॉरल री आर्मामेंट ग्रुप है एक्चुअली ये है इंटरनेशनल कम्युनिज्म के अगेंस्ट इंटरनेशनल कम्युनिज्म का मतलब क्या है कि ये लोग जो हैं वो गॉडलेस मैन थे एंड और भी बहुत सारे इनके बारे में बातें बोली गई थी और ऐसा थिंकिंग थी लोगों की कि ये अपने पेरेंट्स को भी मार देंगे अपने चिल्ड्रन को भी मार देंगे इनको सिर्फ़ एक ही इनका एम होता है कि पूरे वर्ल्ड में अशांति फैले अनरेस्ट एंड वोलेंस हो राइट लेकिन जो ये मोरल रि आर्मामेंट ग्रुप थे ये अलग अलग जगह पर जाकर प्लेर्स परफॉर्म किया करते थे और इनका मेन एम ये था कि जो कम्युनिज्म है ये गलत है तो ये इसके अगेंस्ट में रिएक्शन दिया करते थे एम आर ए एक रिएक्शन दिया करते थे कम्युनिज्म के अगेंस्ट में मतलब ये अपने प्लेर्स के थ्रू दिखाया करते थे कि कम्युनिज्म गलत है एंड द बिग बॉसिस ऑफ़ मद्रास लाइक मिस्टर वासन सिम्पली प्लेड इन टू देअर हैड्स अब यहाँ ये बताए कि जो बिग बॉस थे जैसे कि मद्रास के हो गए या जैमिनाई स्टूडियो के बिग बॉसिस हो गए फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर वासन ये जो हैं सिंपली हेल्प किया करते थे एम आर ए की बिना जाने पहचाने So, यहां बिना जाने पहचाने का मतलब यह है कि मिस्टर वासन नोइंगली अन ही वो सपोर्टिंग एम आर ए आई एम नॉट श्योर हाव एवर दैट दिस वॉज इंडीड द केस फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट ऑफ दीज बिग बॉसेज एंड दियर एंटरप्राइजेज रिमेन द सेम एम आर ए नो एम आर ए इंटरनेशनल कम्युनिज्म नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म फिर असोका मित्रन ये कह रहे हैं कि एम आर ए हो ना हो या फिर इंटरनेशनल कम्युनिज़्म फैला हो या ना फैला हो इनको इससे कोई मतलब नहीं था जितने भी बॉसेस होते थे उनकी एंटरप्राइजेस उनकी कंपनी पर इस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता था कोई ऐसा अफेक्ट नहीं पड़ता था मतलब दे यूज़ टू वर्क दे यूज़ टू रन एज द सिमिलर वे previously the staff of Gemini Studio had a nice hosting 200 people of hues and sizes of at least 20 nationalities. फिर यहाँ ये भी बताया गया कि जेमिनाई स्टूडियो के जो स्टाफ थे उन्होंने बहुत अच्छी होस्टिंग की थी एम आर ग्रुप की एम आर ग्रुप में कम से कम 200 लोग थे जो अलग अलग ह्यूज मतलब अलग अलग कलर के थे एंड अलग अलग उनके फिजिकल साइजेज थे एंड ये कम से कम डिफरेंट ट्वेंटी कंट्रीज से आए थे सो इट वॉज सच अ चेंज फ्रॉम द यूजल कलेक्शन ऑफ द क्राउड प्लेयर्स वेटिंग टू बी स्लेब्ड विद थिक लेर्स ऑफ मेकअप बाय द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट तो ये जो टाइम था जब एम आर ए ने विजिट किया था जमिनाई स्टूडियो में ये टाइम काफी अलग था यूजुअल डेज से यूजुअली डेज़ में क्या होता था जो क्राउड प्लेयर्स थे उन पर मेकअप लगाया जाता था और मेकअप कौन लगाते थे ऑफिस बॉय सो ये यहाँ बताया गया है कि यूजुअल डेज़ में तो होता ये था कि क्राउड प्लेयर्स पर ऑफिस बॉय मेकअप लगाता रहता था बट दैट डे वेन दे हॉस्टिड दीज टू हंड्रेड पीपल फ्रॉम डिफरेंट ट्वेंटी कंट्रीज़ सो वो एकदम यूजअल डे से हट कर कुछ अलग दिन था अब हम रेस्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे टिल दिन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप एज वेल थैंक यू एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल लर्निंग विद पेस हम लोग पोइट्स एंड पैनकेक्स का पार्ट फोर कर रहे हैं एंड इस रेस्ट चैप्टर को इस पार्ट में हम कंप्लीट कर लेंगे अ फ्यू मंथ्स लेटर The telephone of the big bosses of Madras burst, and once again we at Gemini Studios cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. तो यहाँ पर ये जो है लाइन अ फ्यू मंथ्स लेटर इसका मतलब क्या है कि जब फ्रैंक बकमेन की आर्मी आई मोरल री आर्मामेंट आर्मी उसके कुछ महीने बाद जो बिग बॉसेस थे मद्रास के जैसे कि एसएस वासन हो गए सुबू हो गया तो इनके ऑफिस के फ़ोन की घंटी बजी और क्यों बजी क्योंकि एक और विजिटर आने वाले थे जैमिनाई स्टूडियोज में जैसे एम आर ए ने विजिट किया था जैमिनाई स्टूडियो में ऐसे ही अनदर विजिटर आने वाले थे जैमिनाई स्टूडियोज में सो so वो जो अनदर विजिटर आने वाले थे उनके वेलकम के लिए शूटिंग स्टेज को थोड़े टाइम के लिए क्लियर किया गया एंड इसके अलावा जो प्लेज या फिल्म की शूटिंग थी वो थोड़े टाइम के लिए रोकनी पड़ी ताकि वो अनदर विजिटर को वेलकम कर सकें ऑल दिस सेट वॉज दैट ही वॉज़ अ पोएट फ्रॉम इंग्लैंड और अभी तक जैमिनाई स्टूडियोज के पास Uh, मतलब जितने भी मेंबर्स जेमिनाई स्टूडियोज में काम करते थे उनके पास ये इंफॉर्मेशन थी कि जो अनदर विजिटर है वो एक पोइट है इंग्लैंड से द ओनली पोइट्स फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिनाई स्टाफ न्यू और हर्ड ऑफ वर्ड्स वर्थ एंड टेनिसन फिर का मित्रन कहते हैं कि जैसे उनको ये पता चला कि इंग्लैंड से एक पोइट आने वाले हैं तो जेमिनाई स्टूडियोज में जो स्टाफ थे उनको Uh, कुछ ही पोइट्स के बारे में पता था जो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे जैसे कि एक तो विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए या फिर एल्फर्ड टेनिसन हो गए द मोर लिटरेट वंस न्यू ऑफ कीट्स शैली एंड बायरन फिर अशोका मित्रन कहते हैं कि जैमिना स्टाफ में जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे लिटरेट का मतलब वेल well एजुकेटेड तो जितने भी वेल एजुकेटेड स्टाफ जेमिनाई स्टूडियोज में थे उन्होंने वर्ड्स वर्थ, वर्थ एंड टेनिसन के अलावा जॉन कीट्स का नाम भी सुना हुआ था पी बी शैली का नाम भी सुना हुआ था बायरन का नाम भी सुना हुआ था एंड वन और टू माइट हैव है कम टू नो ऑफ सम वन बाय द नेम इलियट और जेमिनाई स्टाफ में एक दो को इलियट के बारे में भी जानकारी थी इलियट कौन थे एक पोइट थे जो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे इनका पूरा नाम था टी एस ईलियट पॉइंट विजिटिंग द जैमिना स्टूडियोज नाउ और अब जैमिनाई स्टूडियोज के मेंबर्स को लेकर बड़े ही क्यूरियस थे कि अब नेक्स्ट पॉइट कौन होंगे इंग्लैंड से जो जैमिनाई स्टूडियोज आने वाले हैं ही इज नॉट अ पॉइट ही इज एन एडिटर दैट्स वाई द बॉस इज गिविंग हिम अ बिग रिसेप्शन फिर अशोक मित्रन कहते हैं कि जो एस एस वासन थे ना जो बॉस थे उन्होंने इस पोइट के लिए बहुत ही अच्छा रिसेप्शन रखा था वेलकम करने के लिए तो इससे हमें यह समझ में आता है कि वो पोइट नहीं है बल्कि वो एडिटर हैं क्यों क्योंकि वासन खुद एक एडिटर थे किस मैगजीन के आनंद विकटन के और ये तमिल में वीकली बेसिस पर रिलीज होती थी तमिल वीकली का मतलब है वीक में एक बार ठीक है वंस इन अ वीक रिलीज होती थी कौन सी मैगजीन आनंद विक्टन आनंद विकटन के एडिटर कौन थे एस एस वासन तो यहाँ पर हमें अशोका मित्रन ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो इतना बड़ा रिसेप्शन रखा गया अनदर विजिटर के लिए ये कोई पोइट नहीं बल्कि एक एडिटर ही होगा क्योंकि एस एस वासन खुद एक एडिटर है और एक एडिटर ही दूसरे एडिटर के लिए इतना बड़ा इतना बिग रिसेप्शन रख सकता है ऑल राइट ही वाज नॉट द एडिटर ऑफ एनी ऑफ द नोन नेम्स ऑफ द ब्रिटिश पब्लिकेशन इन मद्रास दैट इज दो नोन एट द जेमिनाई स्टूडियोज तो यहां पर अशोका मित्रन कह रहे हैं कि कुछ ब्रिटिश पब्लिकेशंस मद्रास में भी रिलीज़ होती थी और जो भी ब्रिटिश पब्लिकेशन मद्रास में रिलीज़ होती थी उसके ये एडिटर नहीं थे कौन जो अनदर विजिटर आने वाले थे तो जैमिनाई स्टूडियोज़ के लोगों को ये तो समझ में आ गया था कि ये एडिटर उन ब्रिटिश पब्लिकेशंस का एडिटर नहीं है जो मद्रास में रिलीज़ होती है अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए हो एक चीज़ बता देती हो जैसे अलग अलग देशों के जो न्यूज़पेपर हैं जो पब्लिकेशंस हैं जो मैगज़ीन्स हैं वो अलग अलग कंट्रीज में भी रिलीज होती हैं सिंस टॉप मैन ऑफ द हिंदू वर टेकिंग द इनिशिएटिव, द सरमाइज वॉज दैट द पोइट वॉज द एडिटर ऑफ अ डेली बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्जन और लंडन टाइम्स सरमाइज का मतलब होता है एजॉम्पन uh, तो यहाँ का मित्रन कह रहे हैं कि द हिंदू एक डेली न्यूज़पेपर था जो इंडिया में पब्लिश होता है द हिंदू के जो टॉप मैन थे एस एस वासन मतलब एस एस वासन इसके भी एडिटर रहे हैं तो एस एस वासन जो थे उन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने किसको बुलाया एक ऐसे विजिटर को जो कि एक एडिटर थे द सरमाइस अब यहां पर एजम्पन की बात हो रही है कि लोगों का क्या एजम्प्शन था कि ये जो पोइट अनदर विजिटर बन के आने वाला है जेमिना स्टूडियो में ये किसी डेली मैगजीन का ही एडिटर है ना कि किसी वीकली मैगजीन का तो वीकली मैगजीन कौन कौन सी थी द मैनचेस्टर गार्जियन लंडन टाइम्स देखो वीकली मैगजीन क्या होती है जो वीक में एक बार रिलीज होती है एंड डेली मैगज़ीन कौन सी होती है जो डेली रिलीज़ होती है तो वीकली मैगजीन कौन सी थी द मैनचेस्टर गार्जियन एंड लंडन टाइम्स तो ये जो ज़रूर इनको शोर हो गया था कि मैनचेस्टर गार्जियन एंड लंडन टाइम्स जो मद्रास में भी रिलीज़ होती हैं जो हालांकि ब्रिटिश पब्लिकेशन है बट ये मद्रास में भी रिलीज़ होती है और इनके एडिटर नहीं थे जो आने वाले थे बल्कि कोई डेली मैगजीन होगी या डेली न्यूज़पेपर होगा शायद उसी के ये एडिटर होंगे जो एक गेस्ट बनकर वेल जमुना स्टूडियो में आने वाले थे दैट वॉज ऑल इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंगस्ट अस न्यू आई मीन जिनको सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन रहती है जमुना स्टूडियो में उनके पास अभी तक यही इंफॉर्मेशन थी कि अनदर विजिटर किसी डेली मैगजीन या न्यूज़पेपर के एडिटर है ना कि किसी वीकली मैगजीन के जैसे कि द मैनचेस्टर गार्जियन और लंडन टाइम्स एट लास्ट अराउंड फोर इन द मॉर्निंग द पोएट और द एडिटर देखो यहां द पोइट और द एडिटर दैट मींस स्टिल दे वर नॉट श्योर कि ये पोइट है कि एडिटर है अभी तक क्या चल रहा था सरमाइज चल रहा था मतलब अभी तक एक लोगों का एक्सम्पशन चल रहा था सो एट लास्ट अराउंड फोर ओ क्लॉक ये पोइट या जो भी हैं ये एडिटर ये जमिनाई स्टूडियोज पहुंचे वो एक टॉल मैन थे वेरी इंग्लिश मतलब उनकी शक्ल से ही पता चल रहा था कि वो ब्रिटेन से हैं वेरी सीरियस और काफ़ी सीरियस थे वो जो भी गेस्ट बनकर आए थे जामिनाई स्टूडियोज में अफकोर्स वेरी अन नोन टू अस और जमिनाई स्टाफ उनको बिल्कुल नहीं जानता था उन्होंने उसको कभी नहीं देखा था पहले बैटलिंग विद हाफ a डजन पेडेस्टल फैंस ऑन शूटिंग स्टेज अब पेडेस्टल फैन का मतलब क्या होता है देखो जैसे कि आप गूगल पे डालोगे ना पेडेस्टल फैंस आपको पता चल जाएगा वैसे ये हर घर में होते हैं जिनको हम हिंदी में आ, फराटा टाइप्स कहते हैं राइट तो जो इनको इंग्लिश में कहते हैं फराटे को पेडेस्टल पे, फैंस तो ये बताया जा रहा है कि जेबिनाई स्टूडियो में कम से कम बारह पेडेस्टल फैंस लगाए गए शूटिंग स्टेज पर द बोस रेड द बोस यहाँ पर कौन है एस एस वासन द बोस रेड आउट अ लॉन्ग स्पीच और जो एस एस वासन थे उन्होंने एक डिफिकल्टी फेस की क्या डिफिकल्टी थी कि जो पेडेस्टल फैंस थे ना इनमें हवा इतनी तेज आ रही थी कि शूटिंग स्टेज पर उनको काफ़ी बैटलिंग करनी पड़ी अपनी स्पीच के कागजों के साथ क्योंकि स्पीच किस पे लिखी हुई थी एक पेपर्स पर लिखी हुई थी और उन पेपर्स को होल्ड करना एस एस वासन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था ड्यू टू दीज पेडेस्टल फैंस क्योंकि कम से कम 12 पेडिस्टल फैंस लगे थे फिर जैसे तैसे बॉस ने मैनेज किया एस एस वासन ने और फिर उन्होंने अपना लॉन्ग स्पीच सुनाया इट वॉज ओब्वियस डेट ही न्यू ही टू न्यू प्रिशियस लिटल अबाउट द पोइट और द एडिटर अब बसो का मित्रन कहते हैं जब बैसेस वासन ने अपना स्पीच दिया ना उस स्पीच से हम सबको ये भी समझ आ गया था कि उनको खुद बहुत कम पता है इस पोइट या एडिटर के बारे में उनको खुद नहीं पता कि ये कौन है द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स बट हेयर एंड दियोर इट वॉज पैपर्ड विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी पेपर्ड का मतलब होता है छिड़काव so, कहने का मतलब है कि जो स्पीच थी ना वो बहुत ही जनरल थी बट उसमें कुछ महंगे वर्ड्स पैपर किए गए थे मतलब कुछ महंगे महंगे वर्ड्स उन्होंने बोले अपनी स्पीच में एस एस वासन ने जैसे कि फ्रीडम डेमोक्रेसी देन द पोइट स्पोक एस एस वासन के स्पीच के बाद पोइट ने अपना स्पीच दिया ही कुड नॉट हैव अड्रेस्ड अ मोर डेज एंड साइलेंट ऑडियंस Dazed का मतलब होता है कंफ्यूज तो यहां पर अशोका मित्रन कहते हैं कि शायद इस ने आज से पहले कभी इतनी कंफ्यूज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस को एड्रेस नहीं किया होगा जैसे इसने जेमिनाइ स्टूडियोज में किया था नो वन न्यू वट ही वॉज टॉकिंग अबाउट एंड इज एक्सेंट डिफिटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड वट ही वॉज से मित्रन कहते हैं कि ऑडियंस साइलेंट क्यों थी क्यों सभी लोग जेमिनाई स्टूडियोज में सारे के सारे डेज्ड थे कंफ्यूज थे द रीजन ये इंग्लैंड पोइट का जो एक्सेंट था वो किसी को भी समझ नहीं आ रहा था किसी को यही नहीं पता चल रहा था कि वो बोल क्या रहा है द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर एंड देन द पोएट लेफ्ट वी ओल्ड डिस्पर्स इन utter बेफलमेंट वट आर वी डूइंग तो यहां पर सबका कमित्रण कहते हैं लगभग एक घंटे तक ये पोइट जेमिना स्टूडियोज में रहा फिर उसके बाद वो चला गया लेकिन जितने भी लोग जेमिना स्टूडियोज के थे जिन्होंने इसका स्पीच सुना देवर स्कैटर्ड इन अटर कन्फ्यूजन बेटलमेंट का मतलब अगेन क्या होता है कन्फ्यूजन वट इज एन इंग्लिश पोइट डूइंग इन अ फिल्म स्टूडियो विच मेक्स तमिल फिल्म फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल अशोक मित्रन अब एक क्वेश्चन रेज करते हैं कहते हैं कि एक इंग्लिश पोएट ऐसे स्टूडियो में क्या कर रहा था जहां पर लोग तमिल फिल्म्स बनाते हैं वो भी सीधे साधे लोगों के लिए पीपल हुज लाइव लीस्ट अफोर्डिड दैम द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग अ टेस्ट फॉर इंग्लिश पोइट्री फिर अशोका मित्रन कहते हैं कि वैसे भी तामिल के जितने भी लोग हैं उनके पास इतना एक्सपोजर नहीं मिला दे कुड नोट डिवेलप द टेस्ट कल्टिवेट का मतलब होता है डवेलप सो दे कुड नॉट डिवेलप द टेस्ट ऑफ इंग्लिश सो हाउ दे कुड अंडरस्टैंड इंग्लिश पोइट्री द पोइट लुकड प्रिटी बेफर टू और जिस पोइट ने स्पीच दिया वो भी काफी कंफ्यूज था फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट हैल्ट द्योर इनकॉन्ग्रुईटी ऑफ हिस टॉक अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोइट हिज विजिट रिमेन्ड रिमेंड एन अनएक्सप्लेन्ड बिस्ट्री इनकॉन्ग्रुईटी का मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स का मतलब होता है द एफर्ट्स एंड डिफिकल्टी सो so, यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये भी काफी बेफिल्ड था क्यों क्योंकि आ, उसको ये चीज़ समझ आ गई थी जो भी उसने बोला इंग्लिश पोइट के थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स के बारे में उनके एफर्ट्स उनकी डिफिकल्टी के बारे में वो सब जो उसने बोला इट वाज काइंड ऑफ स्ट्रेंज टू ऑल द स्टाफ ऑफ जैमिनाई स्टूडियोज मतलब उसको भी समझ आ गया कि ऑडियंस को उसकी बात समझ नहीं आई जो भी उसने स्पीच में बोला ऑडियंस को कुछ भी समझ नहीं आया और उसका जो विजिट था जैमिनाई स्टूडियो में वो अभी तक भी एक मिस्ट्री बना हुआ था एक ऐसी मिस्ट्री जो अनएक्सप्लेन थी द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट बट माई कन्विक्शन ग्रो स्ट्रोंगर डे बाई डे दैट प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी ट्रू परस्यूट ऑफ अ जीनियस कन्विक्शन का मतलब होता है आपका बिलीफ आपका ओपिनियन परस्यूट का मतलब होता है जब आप अपने हॉबी को फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर अशोका मित्रन अपने एक ओपिनियन की बात करते हैं और ये कहते हैं इनका ओपिनियन ना डे बाय डे स्ट्रोंग होता गया और शायद कुछ ग्रेट प्रोज राइटर्स इनके ओपिनियन से सहमत भी ना हो तो ये अपने कौन से बिलीफ की बात करते हैं कौन से ओपिनियन की बात करते हैं ये कहते हैं कि जो प्रोज राइटिंग है ना ये किसी ऐसे जीनियस के बस की बात नहीं है जो या तो सिर्फ अपनी हॉबी को फॉलो करने के लिए लिख रहा हो या फिर उसे बस हाँ लिखना आता है वो इसलिए लिख रहा है बल्कि प्रोज राइटिंग किस इंसान के लिए है जो पेशेंट है जो परसिस्टेंट है जो प्रिजर्विंग है मतलब जिसमें थोड़ा सा पेशेंस है जो डिटरमिन है जो हार्ड वर्किंग है जो अपने काम पर लगा रहे ऐसे राइटर्स ही प्रोज राइटिंग कर सकते हैं ड्रज का मतलब होता है हार्ड वर्क विद हार्ट ब्रोकन सो श्रंकन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट फिर ये कहते हैं कि प्रोज राइटिंग ऐसे आ, राइटर ही कर सकते हैं जिनका हार्ट श्रंकन हो मतलब उनका हार्ट आ, जो है श्रंकन का मतलब यहाँ पर है कि उनके आ, दिल को कोई तोड़ ना सके राइट मतलब दोज हु हैव नॉट एनी फीलिंग्स टू बैकड डाउन तो कहने का मतलब है ऐसा दिल जिनके दिल को कोई जिनके हार्ट को कोई हर्ट ना कर सके या दिन जिन दिल में कोई फीलिंग्स ना हो ऐसा इंसान ही प्रोज राइटिंग कर सकता है क्योंकि अगर आपका दिल में फीलिंग ज़्यादा होगा तो आपको लोगों का रिजेक्शन सहन नहीं होगा देखो यहाँ पर ना मैं आपको एक आ, ये लाइन आपको तभी समझ आएगी जब मैं आपको थोड़ा सा इसको ना इलेबोरेट करके समझाऊँगी देखो एक प्रोज राइटर है ठीक है उसने सपोज करो कुछ एक स्टोरी लिख दी और ये स्टोरी जो है लोगों को पसंद नहीं आई इट इज नॉट लाइक्ड बाय पीपल राइट तो जब लोगों को ये पसंद नहीं आएगी या फिर इसकी स्टोरी अगर कहीं पब्लिश नहीं होगी तो इस राइटर का दिल टूट जाएगा राइट right? और जब दिल टूट जाएगा तो ये दोबारा कहानियां या प्रोज लिखना बंद कर देगा तो यहाँ पर ये यह कहते हैं अशोका मित्रन कि भाई जो ये प्रोज राइटिंग है ना इसके लिए आपका दिल ऐसा होना चाहिए कि आपके दिल में फीलिंग ना हो आपका दिल ब्रेक ना हो एंड रिजेक्शन स्लिप्स डू नॉट मीन अ थिंग टू हिम और रिजेक्शन से आप सेटबैक पे ना चले जाएं मतलब अगर आपको रिजेक्ट कर दिया आपकी कोई लिखी हुई कहानी या लिखा हुआ प्रोज पब्लिश नहीं हुआ तो उससे आपको सेटबैक नहीं लगना चाहिए उससे आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब से आप नहीं लिखेंगे बल्कि आपके मन में पेशेंस होना चाहिए आप परसिस्टेंट होने चाहिए एंड अपने काम के लिए हार्ड वर्कर होने चाहिए सो ही एट वन सेट्स अबाउट मेकिंग अ फ्रेश कॉपी ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीसेस एंड सेंड इट टू अनदर एडिटर एंड क्लोजिंग पोस्टेज फॉर द रिटर्न ऑफ द मेन्यूस्क्रिप्ट मेन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है हैंड रिटन थिंग्स अब यहाँ पर ये कह रहे हैं अशोका मित्रन सपोज करो आपको किसी से रिजेक्शन मिल गया ठीक है तो रिजेक्शन से आपको सेटबैक नहीं लगना चाहिए बल्कि अगर आप रिजेक्ट हो भी गए हैं तो अब आपको एज अ प्रोज राइटर क्या करना है एक फ्रेश कॉपी मतलब लिख देनी है दोबारा से लॉन्ग प्रोज की मतलब अगर आपका कोई काम पब्लिश नहीं हुआ या फिर यू आर नॉट वेल रिसीव्ड बाय द पब्लिक आपको क्या करना है एक बड़ा सा प्रोज पीस लिखना है एकदम फ्रेश और इसको फिर आप दूसरे एडिटर को भेजें और एडिटर को भेजते वक्त आपने अपना पोस्टेज करना है अपना एड्रेस डाल देना है और एड्रेस डाल के अपने आ, जो मेन्यू स्क्रिप्ट है उसको एनक्लोज कर देना है क्योंकि अगर आपका काम किसी को पसंद नहीं आएगा तो वो आपके पास दोबारा रिटर्न होके आ जाएगा अब देखो इस लाइन का मतलब क्या हुआ जैसे कि सपोज करो आप एक राइटर हो ठीक है आपने एक प्रोज राइटिंग की आपने मतलब एक कहानी लिख दी यूं लगा लो आपने एक प्रोज राइटिंग कर दी तो अब आपने इसको कहाँ भेजा एक एडिटर के पास भेजा एडिट करने के लिए एंड पब्लिश करने के लिए लेकिन जब आप एडिटर के पास अपनी राइटिंग को भेजोगे ना तो उसमें आप अपना एड्रेस भी डालोगे क्योंकि अगर ये इस राइटर को आपकी प्रोज राइटिंग पसंद नहीं आई तो ये आपके एड्रेस पे वापस आपका मेन्यूस्क्रिप्ट भेज देगा ठीक है तो ये क्या होता है ये होता है एनक्लोज्ड पोस्टेज ओके

द हिंदू जो न्यूज पेपर है उसमें एक छोटा सा अनाउंसमेंट पब्लिश हो रखा था और ये अनाउंसमेंट एक ऐसे कॉर्नर पर था जो इनसिग्निफिकेंट था जो ऐसा था अनइम्पॉर्टेंट पेज जिसको शायद कम लोग देखते हों और उस अनाउंसमेंट में क्या लिखा हुआ था उस अनाउंसमेंट में ये लिखा हुआ था कि ब्रिटिश प्रियोडिकल जो है ना द एनकाउंटर जिसका नाम है ब्रिटिश प्रियोडिकल Uh, का नाम क्या है द एनकाउंटर मतलब ये एक मैगजीन है द एनकाउंटर एक शॉर्ट स्टोरी ऑर्गेनाइज कर रहा था ऑफ कोर्स द एनकाउंटर वाज नॉट अन नोन कमोडिटी अमंग द जेमिनाई लिटरेटी लिटरेटी मतलब जो लिटरेचर जानते हैं फिर यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो ब्रिटिश प्रियोर्टिकल है द एनकाउंटर इसके बारे में जमेना स्टाफ में इतना लोगों को पता नहीं था आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द प्रियटिकल बिफोर आई स्पेंट अ कंसिडरेबल सम इन पोस्टेज स्पेंडिंग अ मेन्यू सेंडिंग अ मेन्यूस्क्रिप्ट टू इंग्लैंड अब यहाँ पर ये जैसे कि बता रहे हैं कि द एनकाउंटर जो कि एक ब्रिटिश प्रियोडिकल है और इस द एनकाउंटर ने एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था किसके ऊपर इन्होंने एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया शॉर्ट स्टोरी के ऊपर कि अगर कोई शॉर्ट स्टोरी में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो अपनी मेन्यू भेज सकता है ठीक है अब अशोका मित्रन इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे लेकिन जैमिनाई लिटरेटी मतलब जो जैमिनाई स्टूडियोज़ में लिखना पसंद करते थे जो जितने भी पोइट्स एंड राइटर्स थे उनको इस प्रियोडिकल के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी क्यों क्योंकि ये प्रियोडिकल इंग्लैंड से बिलोंग करती है राइट लेकिन अशोका मित्रन इसमें जो है पार्टिसिपेट करना चाहते थे बट इसमें पार्टिसिपेट करने से पहले वो इस प्रियोडिकल के बारे में कुछ आइडिया लेना चाहते थे कि ये प्रियोडिकल कैसी है और ये नहीं चाहते थे कि वो बिना इस प्रियोडिकल के जाने अपनी मेन्यू स्क्रिप्ट यहां भेज दें क्योंकि इंग्लैंड में मेन्यू को भेजना अपने आप में बहुत ही महंगा प्रोसेस था ओके तो अशोका मित्रन जो है ही मित्रेड टू नो अबाउट दिस प्रियोडिकल बिफोर डिसाइडिंग टू स्पेंड मनी और आई वुड से ह्यूज मनी ऑन मेलिंग हिज एंट्री और सेंडिंग हिज मेन्यू टू द इंग्लैंड राइट क्योंकि आप एक कंट्री से जब दूसरी कंट्री में अपना मेन्यू भेजते हैं ना तो आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करना पड़ता है तो ये नहीं चाहते थे कि बिना इस प्रियोडिकल के जाने ये इंग्लैंड में अपना मेन्यूस्क्रिप्ट भेज दे उनके पैसे बर्बाद हो जाए पहले ये चाहते थे कि ये द एनकाउंटर पीडिकल के बारे में पता लगाए सो इन दोज डेज मतलब अशोक मित्रन के टाइम पीरियड में ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में कोई ऐसी एंट्रेंस नहीं थी जिसमें वाइंडेड साइन बोर्ड लगे हो या नोटिस बोर्ड लगे हो लाइब्रेरी में वैसे आप देखोगे ना हमेशा साइन बोर्ड्स लगे होते हैं नोटिस बोर्ड लगा होता है बट अशोक मित्रन के टाइम पर लाइब्रेरी के अंदर ऐसे कुछ साइन बोर्ड या नोटिस नहीं लगा हुआ था जिससे आपको ये लगे कि भाई आप कोई ऐसे फोरबिडन एरियाज में जा रहे हैं

उसमें जो है उन, उन उनकी अलग अलग कॉपीज़ रखी हुई थी लाइब्रेरी में और ये कॉपीज़ कुछ फ्रेश थी एकदम और कुछ ऐसी थी जो किसी ने टच ही नहीं की थी कुछ ओल्ड कॉपीज़ थी व्हेन आई रेड द एडिटर्स नेम आई हर्ड अ बेल रिंगिंग इन माय श्रंकन हार्ट फिर अशोका मित्रन कहते हैं जब इन्होंने द एनकाउंटर को देखा और उनकी कॉपीज़ को देखा तो इन्होंने एक एडिटर का नाम पढ़ा और उस एडिटर का नाम पढ़ते ही इनके दिल में घंटी बजी की क्योंकि इनको कुछ एकदम से रिकॉल हुआ क्या रिकॉल हुआ इनको उस पोइट के बारे में याद आया जो जेमिनी स्टूडियो आए थे क्योंकि जिस एडिटर का नाम लिखा हुआ था वो ही था जो जेमिनाई स्टूडियो विजिट करने के लिए एक बार आया था आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर अब यहां अशोका मित्रन कहते हैं जब इन्होंने एडिटर का नाम पढ़ा तो इनको एकदम से याद आया कि ये एडिटर जेमिनाई स्टूडियो में तो ऑलरेडी आ चुके हैं अब यहां पर कौन से एडिटर की बात हो रही है याद करो जो हमने किया था कि ये एक एडिटर थे या पोइट थे अभी तक किसी को पता नहीं था जब ये स्पीच देके गए जमिनाई स्टूडियो के लोगों को इनका स्पीच समझ नहीं आई क्योंकि इनका एक्सेंट ब्रिटिश था प्लस जितने भी लोग थे तमिल में उनको इंग्लिश का इतना टेस्ट मालूम नहीं था राइट तो इसीलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो एडिटर का नाम इन्होंने पढ़ा इनको एकदम से याद आई कि ये तो वही पोइट हैं जो जामिनाई स्टूडियो में विज़िट किए थे और इन्होंने जैसे ही उसका नाम पढ़ा तो मित्रन को लगा कि उनको अपना लॉस्ट ब्रदर मिल गया अपना बिछड़ा हुआ भाई मिल गया है आई सैंग एज आई सील्ड द एनवेलप रोट आउट हिज एड्रेस अब इन्होंने इसका जब एडिटर का नाम पढ़ा ना तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये मैन्युस्क्रिप्ट इंग्लैंड में भेज देंगे तो इन्होंने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को एनवेलप में डाला और उसे सील कर दिया और उस पर अपना एड्रेस लिख दिया अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो अशोका मित्रन थे उन्होंने जेमिनी स्टूडियो का एड्रेस क्यों लिखा था उन्होंने वो एड्रेस इसलिए लिखा था ताकि ये जो एडिटर हैं जिन्होंने एक बार कहाँ पर विजिट किया था जेमिनी स्टूडियो में ये एडिटर जब जेमिनी स्टूडियो का एड्रेस पढ़ेंगे तो ये उनको फेवर कर देंगे अशोका मित्रन को फेवर कर देंगे क्यों क्योंकि ये एडिटर जेमिना स्टूडियोज ऑलरेडी आ चुके थे आई फेल्ट दैट ही वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम तो यहाँ पर अशोका मित्रन जब अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट एनवेल में डालकर उसे सील कर रहे थे तो उस टाइम भी एक गाना गा रहे थे और गाना गाते एक चीज़ सोच रहे थे कि यही सेम सॉन्ग मेरा लॉस्ट ब्रदर भी गा रहा होगा तो यहाँ पर ये एडिटर को कहते हैं कि ये उनका एक लॉस्ट ब्रदर है बिछड़ा हुआ भाई है और ये कहते हैं कि जब इन्होंने अपनी मेन्यूस्क्रिप्ट मेल की तो उस टाइम पर यह गाना गा रहे थे और साथ साथ ये भी महसूस कर रहे थे कि वो एडिटर भी सेम टाइम पर यही सेम सोंग गा रहा होगा लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर ऑफ इंडियन फिल्म डिस्कवर ईच अदर बाई सिंगिंग द सेम सोंग इन द फर्स्ट रील एंड इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म फिर यहाँ पर अशोक अमित्रन कहते हैं कि जैसे इंडियन मूवीज़ में होता है ना दो बिछड़े हुए भाई फिल्म की स्टार्टिंग में और फिल्म फिल्... फिल्म की स्टार्टिंग में एक सेम गाना गा रहे होते हैं फिर वो बिछड़ जाते हैं और फिल्म के एंडिंग में वो ही सेम गाना गाकर वो मिल जाते हैं और एक दूसरे को पहचान लेते हैं कि हम भाई भाई हैं ठीक है मतलब आप इस चीज़ को समझ पाए जैसे कि क्या होता है कि बचपन में बिछड़ गए फिल्म में ऐसे दिखाया जाता है ना इंडियन फिल्म्स में कि बचपन में दो भाई बिछड़ गए और वो सपोज करो एक गाना गा रहे होते थे बचपन में और फिर वो जब बिछड़ गए और फिल्म के एंडिंग में उनकी मीटिंग कैसे होती है और वो एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं वो दो बिछड़े भाई एक दूसरे को पहचानते हैं उसी सेम सॉन्ग को गाकर ठीक है स्टीफन स्पेंडर स्टीफन दैट वाज हिज नेम अब यहां पर ये मित्रन बताते हैं जो एडिटर या जो पोइट जेमिना स्टूडियो आए थे उनका नाम क्या है उनका नाम है स्टीफन स्पेंडर तो स्टीफन स्पेंडर कौन थे ही वॉज एन इंग्लिश पोइट एसेस्ड हु कॉन्सेंट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड क्लास स्ट्रगल तो यहाँ पर का मित्रन बताते हैं कि ये स्टीफन स्पेंडर कौन थे ये सोशल इनजस्टिस के बारे में बात करते थे क्लास स्ट्रगल के बारे में बात करते थे और ये एक इंग्लिश पोएट थे एंड ईयर्स लेटर वेन आई वॉज आउट ऑफ जैमिनाई स्टूडियोज एंड आई हैड मच टाइम बट नॉट मच मनी एनी थिंग एट रिड्यूस्ड प्राइस अट्रैक्टेड माई अटेंशन फिर अशोक मित्रन कहते हैं कुछ सालों के बाद जब उन्होंने जैमिनाई स्टूडियोज़ को छोड़ दिया था उनके पास खूब सारा टाइम था बट बहुत कम पैसा था क्योंकि जमिनाई स्टूडियोज़ छोड़ दिया था तो पैसा इतना कमा नहीं पाते थे लेकिन इनके पास पैसा भले ही ना हो बट बुक्स की तरफ इनका इंक्लिनेशन हमेशा रहा लेकिन ऐसी बुक्स जिसका प्राइस बहुत कम होता था वो चीज़ इनको काफ़ी अट्रैक्ट कर जाती थी ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस देर वॉज़ अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स फॉर फिफ्टी पैसा ईच तो इन्होंने क्या देखा कि मद्रास माउंट रोड पर एक्चुअली uh, कुछ बुक्स बिक रही थी नई एकदम फ्रेश बुक्स और वो बुक्स कितने की थी एक बुक थी पचास पैसे की राइट एक्चुअली देवर कॉपीज ऑफ द सेम बुक तो यहां पर ये कह रही है, ये ऐसी कॉपीज थी ओरिजिनल की कि कोई ये नहीं बता सकता था कि ये कॉपीज हैं या ओरिजिनल है कहने का मतलब है बहुत ही बढ़िया कॉपीज की हुई थी देखो क्या होता है ना कि जो ओरिजिनल बुक्स होती है ना तो फुटपाथ पर आपको उनकी कॉपीज़ मिलती हैं ओरिजिनल नहीं मिलती हैं ओरिजिनल लोवल नहीं होती हैं वो तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये फिफ्टी पैसा ईच में जो नई बुक्स मिल रही थी वो ओरिजिनल बुक्स की फर्स्ट कॉपी थी एन एलिगेंट पेपर ऑफ अमेरिकन ओरिजिन और ये कॉपीज़ का जो पेपर बैग था वो बहुत ही अच्छा था ऐसे लग रहा था जैसे अमेरिकन ओरिजिन हो स्पेशल लो प्राइज स्टूडेंट एडिशन फिर ये कहते हैं कि आ, ये जो स्पेशल लो प्राइस था मतलब ये जो 50 पैसा ईच मिल रहा था ये किसके लिए था एक्चुअली ये उन सभी लोगों के लिए था या उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लो प्राइस पर बुक्स को खरीदना चाहते हैं इन कनेक्शन विद फिफ्टियत एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन, सो ये पचास पैसा ईच बुक क्यों मिल रहा था रीजन ये है कि वो थी एक कोमेमोरेशन, कोमेमोरेशन एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड विच एनिवर्सरी फिफ्टी एनिवर्सरी सो आई पेड फिफ्टी पैसा पिक पिक्डअ कॉपी ऑफ द बुक एंड बुक कौन सी थी द गॉड दैट फेल्ड तो अशोका मित्रन कहते उन्होंने पचास पैसे दिए और उन्होंने उस बुक की कॉपी ले ली बुक का नाम क्या था द गोड फेल्ड सिक्स एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स इन सिक्स सेपरेट एसेज सिक्सरेट देयर जर्नी इन टू कम्युनिज्म यहां पर रजो का मित्रन बताते हैं दैट द गोड दैट फेल्ड इस बुक में सिक्स अलग अलग एमिनेंट एमिनेंट मतलब एकदम महान जो ऐसे ही रहे हैं जो राइटर रहे हैं उन्होंने अपने कॉलम्स लिखे हुए थे अपनी कहानियां बताई थी कि जब वो कम्युनिज्म के साथ जुड़े तब उन्होंने कैसा फील किया और कम्युनिज़्म के साथ जुड़कर वो वापिस नॉर्मल uh, uh, एक uh, उसमें क्यों आ गई उन्होंने कम्युनिज़्म को क्यों छोड़ दिया उसके बारे में लिखा हुआ था तो कहने का मतलब है द गॉड दैट फील्ड में सिक्स एसेइस्ट ने अपनी अपनी जर्नी बताई कि उन्होंने कम्युनिज्म को क्यों ज्वाइन किया था एंड फिर उन्होंने बाद में कम्युनिज़्म को क्यों छोड़ दिया अब मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें समझा देती हूँ देखो कम्युनिज़्म में ना एक्चुअली ये कहा जाता था कि सब कुछ कॉन्सेंट्रेटेड होगा सारी लैंड कॉन्सेंट्रेटेड होगी नीड के हिसाब से लोगों को दिया जाएगा लेकिन हुआ क्या एक्चुअली इसका फ़ायदा उठा लिया गया जो इसके लीडर थे कम्युनिज्म एक्चुअली बोल्शेविक्स जो थे ना, उन्होंने चलाया था और इनके लीडर थे वलादिमिर पुटिन और इन्होंने एक्चुअली लोगों पर खूब अत्याचार किया था ऐसा कहा जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई थी सो ऑल ओला ऑल अभी आप इतना ही जानो क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं आपको इसके साथ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बना दूंगी तो सो आप ये समझो कि कम्युनिज़्म इसलिए छोड़ दिया था इन्होंने क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा एट्रोसिटी की जाती थी लोगों के साथ और एक और चीज़ है वलादिमिर पुटिन ने यह भी कह दिया था कि हमारे अगेंस्ट कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकता अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाता हुआ मिला उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा सो so, बहुत ही कट्टरपंथी थी एक्चुअली कम्युनिज्म में राइट right? अब यहाँ आगे ये बताते हैं कि वो सिक्स राइटर्स कौन से थे जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया था कौन सी बुक में द बुक इज द गॉड दैट फेल्ड एंड्रे गाइड रिचार्ड राइट इग्नेजियो सिलोन आर्थर कोलेस्टर लुई फिशर, स्टीफन स्पेंडर तो देखो इन छह राइटर्स में से किसका नाम है स्टीफन स्पेंडर का और, और यही स्टीफन स्पेंडर थे जो जेबेनाई स्टूडियोज में आए थे और इन्होंने एक लॉन्ग स्पीच दिया था दैट वाज नॉट वेल रिसीव्ड बाय द पब्लिक व्हाई बिकॉज दे कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज एक्सेंट स्टीफन स्पेंडर सडनली द बुक एज्यूम्ड ट्रेमेंडस सिग्निफिकेंस तो इस बुक में आ, जो ये बुक है द गॉड दैट फेल्ड इस बुक में स्टीफन स्पेंडर का नाम था इसीलिए ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गई थी मतलब द बुक बिकेम इम्पोर्टेंट बिकज ओन विच द नेम रिटर्न वॉज स्टीफन स्पेंडर स्टीफन स्पेंडर द पोइट हुड विजिटेड जेमिनाई स्टूडियो स्टीफन स्पेंडर वही थे जो जैमिनाई स्टूडियोज में आए थे इन अ मोमेंट आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप बाई अजी इल्यूमिनेशन तो यहाँ अशोका मित्रन ये कह रहे हैं कि जो उनके माइंड का डार्क चैम्बर था मतलब जो इग्नोरेंस उनके माइंड में थी वो अब क्या हो चुकी है वो अब एनलाइटन हो चुकी है लिटअप का मतलब एनलाइटन हो चुकी है द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर जेमिनाई स्टूडियो वॉर नो लॉन्गर अस्ट्री तो क्या एनलाइटन हो गया बेसिकली उनको ये समझ आ गया कि जेमिनाई स्टूडियो में कौन आए थे स्टीफन स्पेंडर आए थे क्यों आए थे वो भी अब एक सीक्रेट नहीं रहा वो भी अब रिवील हो चुका है कि वो जेमिना स्टूडियोज क्यों आए थे क्योंकि वो अपने स्पीच में कम्युनिज्म की जर्नी बताने आए थे कि उन्होंने कम्युनिज्म को क्यों ज्वाइन किया और फिर बाद में उसको क्यों लीव कर दिया मतलब क्यों छोड़ दिया द बॉस ऑफ द जेमिनाई स्टूडियोज मे नोट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोइट्री बट नॉट विद गोड दैट फेल्ड यहाँ गोड का मतलब किसको रेफर कर रहा है कम्युनिज्म को तो यहाँ पर का मित्रन कहते हैं कि स्पेंडर की पोइट्री में किसी को ये इंटरेस्ट नहीं था कि वो क्या है बल्कि उनकी पोइट्री को लोग इसलिए सुनना चाहते थे या बॉस जो एस एस वासन थे वो सब इसलिए सुनना चाहते थे द रीज़न बिहाइंड हिज डिसअपॉइंटमेंट ऑफ जॉइनिंग कम्युनिज्म कि भाई उन्होंने कम्युनिज़्म क्यों ज्वाइन किया उसको बाद में क्यों छोड़ दिया राइट सो यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर है कंप्लीट होता है कोई भी आपको डाउट है यू कैन कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भी uh, जो है ज्वाइन कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो